हरे ओम ओम अपवित्रः पवित्रो वः सर्वावस्थां ददाति वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरसृजे पुण्डरीकाक्षः पुनादु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुष्पाक्षदान् आदाय ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोश्चात् पुरुणेन्दुसुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवदख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन इव कर्तव्यं दासोऽहं तव केशव श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीकृष्णवाङ्मय विग्रहाय नमः भगवत्यै वृन्दायै नमः भगवते श्रीशुकाय नमः गन्धाक्षदैः सम्पूज्य स्नेहेन देहे तव चारुचन्द्र कस्तूरिका कुङ्कुमसङ्कुलेन महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की चरण कमलेभ्यो नमः श्रीमातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तम् व्योमातीतं निरञ्जनं नादुबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः देयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनितं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्रसुकनारदभीष्म
शितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त शक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनो सब द्वारं को छाने के आयु तिहारे द्वार हे यशोदा के लाडले मेरी ओ भानु की लाडली भक्तन ओर निहार भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के पद बंदन किए नाशत विघ्नो अने जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम प्राण प्रियतमा श्री राधा रानी और युगल सरकार भगवान श्री बिहारी जी को वंदन करते हुए भगवान की पावन दिव्य स्तुति गाते हुए हम सब लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें।
वृंदावन
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। रज राम चंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडित विदिंदित पीतांबर धारी नंद नंदन भगवान बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति स्वरूप मेरी माताएं बहने ज्ञान स्वरूप मेरे भाई बंधुओं संत समाज विद्वत प्रबल हम सब लोग जमशेदपुर की पावन भूमि पर बैठ करके आज श्रीमद् भागवत सप्ताह के तृतीय दिवस तृतीय सत्र पर उपस्थित हुए हैं। जनमानस भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हुई। आइए मन और वाणी को एकाग्र करते हुए अमृतमयी भगवान की कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। कल के पावन प्रसंग में आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से श्री वेदव्यास जी के वंश का विस्तार हुआ, कैसे एक वेद से चार वेदों का निर्माण हुआ, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ लिखने के बाद 17 पुराण लिखने के बाद श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ लिख करके प्रतिपादित किया, कृष्ण स्वरूप भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ। और भैया किस प्रकार से मेरे गोविंद ने उत्तरा के गर्भ में जा करके नन्हे से भक्त परीक्षित की रक्षा करी और रक्षा करने के बाद परीक्षित को अभय प्रदान किया। सज्जनों परीक्षित का भ्रमण करने के लिए शिकार खेलने के लिए जंगल में जाना हुआ, वहीं पर कलयुग से परीक्षित का मिलन हुआ। कलयुग के चार स्थान बताए गए, बोलो राधे राधे। भैया जहां जुआ खेला जाए वहां समझ लो उस घर में कलयुग प्रवेश करेगा। जहां पर मदिरा पान की जाए समझ लो उस घर में भी कलयुग का प्रवेश हो रहा है। जहां पर व्यक्ति का चरित्र दूषित हो रहा हो समझ लो उस घर में उस परिवार में उस मति में उस बुद्धि में भी कलयुग अपना स्थान बना रहा है। और जहां पर धन दे करके किसी की हिंसा आदि करा दी जाए वहां पर भी कलयुग का निवास। पांचवा स्थान कलयुग ने सुवर्ण में दिया, सोने में दिया, और वही परीक्षित कलयुग को स्थान देने के बाद जब समीक ऋषि की कुटिया पर पधारे तो वहां पर मरा हुआ सर्प था, गले में समीक ऋषि की कुटिया में समीक ऋषि के गले में पहनाया, परिणाम स्वरूप श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हने। सातवें दिन तक्षक सर्प के द्वारा मृत्यु का श्राप लगा। राजपाट का परित्याग करके परीक्षित आज सुखताल पधारे। असुखताल में श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ और गुरु रूप से श्री शुकाचार्य जी महाराज को मान करके परीक्षित ने प्रश्न किया। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं
गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा। हे परम जगत गुरु, हे योगी नाम परमम गुरु, आपके श्री चरणों में बंधन की जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक हो, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? और जिनके जीवन में केवल 7 दिन बचे हो, ऐसे जीव को परम गति का साधन क्या खोजना चाहिए? ये प्रश्न कल के सत्र में हम सब लोगों ने यहाँ तक की कथा सुनी। अब आइए हम सब लोग आगे कथा में प्रवेश करें। कहना पड़ेगा राधे। हाँ, जैसे परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव 7वें दिन जिसके जीवन में केवल 7 दिन हो, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न का उत्तर दिया। बरिया निसते प्रश्न रतोलो कोहितम रप आत्मविन सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिसुयः परः। परीक्षित, ये जो श्राप मिला ये केवल आपको नहीं है, ये तो जनमानस को श्राप मिला है। सज्जनों, आज जैसे परीक्षित के प्रश्न का उत्तर श्री गुरुदेव शुकाचार्य जी महाराज देने लगे, हे नृप, हे राजन, कृतो लोक हितम नृप, संसार के हित के लिए तुमने ये प्रश्न किया है, जिसके जीवन में केवल 7 दिन हो, उस जीव को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, परीक्षित तुम्हारे जीवन में तो 7 दिन है, राजा खटवांग के जीवन में केवल 2 मुहूर्त थे और भगवान को प्राप्त कर। भैया, गोविंद के चरणों में जब मन एक क्षण के लिए भी लग जाए ना, तो महाराज जीवन की पूरी साधना सफल हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म पर्यंत। प्रश्न ये नहीं है कि हम बुढ़ापे में भजन करें या जवानी में, समस्या ये नहीं है कि हम छोटे में भजन करें या बुढ़ापे में, उद्देश्य ये है कि ऐसा अभ्यास बन जाए भजन का कि जब प्राण निकले तो प्रभु का चिंतन होता रहे। इसलिए ऋषि महात्माओं ने इतने विशाल ग्रंथों का निर्माण किया। लोग कहते हैं, महाराज अभी तो हमारी छोटी अवस्था है, काहे को भजन करें? एक बात बताओ, बुढ़ापे में किसने भगवान को पाया? अरे नन्हे से ध्रुव जी महाराज थे तो उन्होंने भगवान का भजन किया तो आखिर प्रभु मिल गए ना। छोटे प्रहलाद थे तो भगवान का भजन किया तो भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए ना। नारद जी महाराज बचपन में, कल की कथा में मैंने कहा कि दासी पुत्र थे, नन्हे से बालक थे, भगवान का भजन किया, प्रभु मिल गए। तो सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। यदि हमारी अवस्था, हमारे शरीर में यदि ताकत होगी तभी तो हम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर पाएंगे। और यदि हम सोचे कि बुढ़ापे में जाएंगे तो महाराज माइनस डिग्री में जाकर के बर्फ जम जाएगी, बोलो राधे, फिर नहीं हो सकता। इसलिए खिले हुए फूल को भगवान भी पसंद करते हैं।
इसलिए खिले मन से, उत्साहित मन से जब गोविंद का भजन किया जाए तो गोविंद कहते हैं आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। परीक्षित, 7 दिन बहुत है, आइए सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? बोले सबसे पहले अपना मन प्रभु के चरणों में लगना चाहिए। बोलो राधे राधे। देखिए छोटे प्रश्न का उत्तर तो सरल मिला लेकिन है कठिन काम। किसी का मन लगता है भजन में? बहुत लोग तो कह देते महाराज जैसे हाथ में माला लेते वैसे नींद आ जाती है। बोलो राधे राधे। आ भी जाती होगी भाई, कोई झूठी बात नहीं। ये जो मनी राम है ना, इसको लगाना बड़ा कठिन है। मना ही मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये जो मन है ना, मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण है और मन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण है। महाराज ये बात समझ में नहीं आई, कहा जाए किसी व्यक्ति को 100 ग्राम जहर पिला दिया जाए तो जहर पीने के बाद वो तो व्यक्ति मर ही जाएगा। अब फिर कहो भैया इसको जिलाना, फिर 100 ग्राम जहर पिला दो तो क्या दोबारा जिएगा? जहर का काम एक ही बात करने का, मारने का, जिलाने का। ऐसे ही आप कहते गुरुदेव मन जो एक है और एक मन दो काम कर रहा है। बोले एक मन दो काम कर रहा क्या? बोले वही मन बंधनों का कारण बन गया और वही मन मोक्ष का कारण बन गया। एक ही मन है दो काम कर रहा, कैसे? जैसे भैया ताला की चाबी एक ही होती है ना, वही चाबी से ताले को बंद कर देते हैं और उसी चाबी से ताले को खोल देते हैं। चाबी एक, काम दो, बस उसी चाबी से चाहे ताले को खोलने चाहे बंद कर दे, वैसे मन रूपी चाबी से संसार में चाहे बंध जाए और चाहे बंधन मुक्त हो जाए। गरुण पुराण में भगवान गरुण ने भगवान से पूछा बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का क्या कारण? तो भगवान बोले दो ही शब्द बोले, बोले ममेति बंधन का कारण, न ममेति मोक्ष का कारण। इसी में सब ग्रंथ आ गए। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा, ये सब बंधन का कारण। मैं ज्यादा मैं करोगे तो मैं करने वाले बकरे की गर्दन में तलवार रख करके काट दी जाती है, क्योंकि ज्यादा मैं कर रहे हो ना। और मैं ना मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब प्रभु तेरा, सब तेरा। तो मैं ना कहने वाली वो मैना नाम की पक्षी कितना सबको, सबके मन को भाती है। इसलिए भाई भगवान ने किसी को थोड़ा दिया, किसी को ज्यादा दिया, प्रभु का प्रसाद समझ करके उसको स्वीकार करें और इस मन से गोविंद का स्मरण करें, चिंतन करें, भजन करें, तभी ये बंधन मुक्त जीव हो सकता है। अब महाराज आपने कहा कि मन लगाओ, हम कहते मन लगता नहीं, किसी का मन लगता है? लोग कहते महाराज माला जपने में, भजन करने में नींद आती है। ठीक है, आती होगी भाई, क्योंकि माला गौड़ विषय नहीं है ना, वो तो एक दिनचर्या है। लेकिन उन्हीं लोगों से पूछा जाए या आप सब लोगों से पूछा जाए, भजन में नींद आ सकती है, कीर्तन में नींद आ सकती है, सत्संग में नींद आ सकती है, लेकिन आप सब लोगों को बढ़िया एक 500 की गड्डी दे दी जाए, रबड़ लगा करके कहा जाए इसको गिन करके बताना कितनी भी नींद आ रही हो, महाराज नींद भग जाएगी। क्यों? एक भी नोट यदि चिपक गई तो 500 का दंड देना पड़ेगा ना। महाराज नींद आवेगी ना तो उठ करके पानी के छींटे मारेंगे फिर गिनेंगे। क्यों? अर्थी दोषम न पश्यति, क्योंकि भैया वो जो अर्थ है ना, जो धन है ना, उसमें जिम्मेदारी मिल गई कि इसको गिन करके बताओ। और गोविंद नाम का धन पारलौकिक सुखों को देता है। इसलिए भैया मन लगाने का गुरुदेव साधन बताओ, मन लगे कैसे? तब श्री सुखदेव जी महाराज मन लगाने के लिए कहते पहले भगवान से प्रेम जगाओ। जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु
भगवान से परिचय बढ़ाए, प्रेम बढ़ाए। संसार में किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो तो सबसे पहले परिचय काम आता है। भैया आपसे मिलना था, परिचय दे दिया, बुला लिया गया। ऐसे मेरे गोविंद से मिलने के लिए, जगत पिता नारायण से मिलने के लिए सबसे पहले परिचय बढ़ाए, पहले उसको जानो। बिना जाने प्रीत जग नहीं सकती, अबिना प्रीत के प्रतीत नहीं हो सकती। बोलो राधे। इसलिए सबसे पहले हम अपने घर में, आंगन में, अपने परिवार में, अपने मकान के अंदर, चाहे भैया एक कमरे का ही भवन क्यों ना हो, एक छोटा सा ही क्यों ना चित्रपट दीवार में रखें, पहले अपने गोविंद को अपने घर में स्थान दो। हम लोगों के जीवन में गड़बड़ी कहां आती है, पहले भगवान से मनाते, हे प्रभु साइकिल में चलाने में बड़ा कष्ट है, साइकिल से जाने में बड़ा कष्ट है, आप एक स्कूटर दे दो। भगवान ने कहा ठीक है ले लो भैया, मोटर ले लो। उसके बाद स्कूटर से मोटर, मोटर से फिर होटल, होटल से फिर बोतल पर चले गए, और धीरे धीरे करके ऐसे जाते गए, ऐसे जाते गए। गोविंद ने कहा कि मैंने तो तुझे सब कुछ दिया, तूने कहा कि एक एक कमरे का मकान दे दो। भगवान ने कहा चल तुझे 500 गज का मकान दिया। लेकिन जब 500 गज के मकान को बनाया, पूरा मकान बना करके तैयार हुआ, तो बोले भगवान का मंदिर कहाँ बने। इंजीनियर ने कहा भाई अब कहाँ बनाओगे, बोले और तो कोई जगह बचती नहीं भैया, वो जीना के नीचे जो जगह है ना, सीढ़ी के नीचे, वहीं पर मंदिर बना दो। त्रिभुवन के मालिक ने तुमको कितना सुंदर व्यवस्था दी, और तुमने उसको कहाँ स्थान दिया, सीढ़ी के नीचे। भगवान कहते यदि तू मेरा घर मान करके चलेगा ना, तो वो मेरा ही घर रहेगा, फिर उसमें कोई विपत्ति आने वाली नहीं। और यदि तूने थोड़ी भी बुद्धि लगाई तो महाराज बड़े बड़ों को बनते बिगड़ने में समय नहीं लगता। इसलिए परीक्षित मन लगाओ गोविंद के चरणों में। भाई चाह आनों से पैसे बनाती रही, चाह आनों से पैसे बनाती रही, चाह पैसा से रुपया भुनाती रही, चाह रुपया से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही, चाह होटल पे बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहन सा। हे गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा दृष्टि बने। जब ऐसा भाव जीव के अंदर होता है तो पग पग पर मेरे गोविंद रक्षा करते हैं। दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में कृष्ण से, नारायणी से ना मांग ली, और अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे सेना नहीं, मुझे तो केवल आप चाहिए। कन्हैया ने कहा मैं क्या करूंगा भाई, ना तो मैं शस्त्र गहाऊंगा, मैं तो केवल सारथी बन करके रहूंगा ना, मेरी नारायणी सेना तो युद्ध भी करेगी। प्रभु केवल आपकी प्रेम भरी चितवन ही मेरे को युद्ध में विजय श्री दिला देगी, और वही परिणाम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्। जहां पर भगवान कृष्ण योगेश्वर रहे और जहां पर गांडीवधारी अर्जुन रहा, अंत में देखो नारायणी सेना भी परास्त हो गई, 18 अक्षोणी सेना कट मर गई, निहत्ते कृष्ण ने आज विजय श्री दिला दी। भगवान ने कहीं कोई शस्त्र उठाया ही नहीं, लेकिन अर्जुन जैसे, अर्जुन को महाभारत जैसे विशाल समुद्र से पार करा दिया मेरे गोविंद ने। परीक्षित इसलिए गोविंद को पहले जानो, गोविंद से प्रेम करो, प्रभु को स्नेह करो, प्रभु की कथा सुनो, और कथा सुनते सुनते प्रभु के प्रति प्रेम जग जाएगा, और जब प्रेम जग जाएगा परीक्षित तब मेरे गोविंद को अपने घर के आंगन पर या मंदिर में बैठ करके सुखासन पर बैठ करके पालती मार कर
पालती मार करके मन लगाने के लिए सरल साधन बताया। कैसे भैया, जिनके घुटनों में दिक्कत है, जिन्होंने घुटने बदला रखे हैं, वो तो बढ़िया टेबल में बैठ जाए, कुर्सी में बैठ जाए। लेकिन यदि हमारा जीवन स्वस्थ है, हमारे पैरों में दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले हम सुखासन पर बैठे, और सुखासन पर बैठने के बाद मन लगाने का साधन बताया। क्या? जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। लोग कहते मन नहीं लगता, और सुखदेव जी कहते लो भैया ये चार सीढ़ी चढ़ जाओ मन ना लग जाए तो बताना। सबसे पहले हमारी पहली सीढ़ी कमजोर है तो मन कहां से लगे। आते ही हम सबसे पहले ऊंचा सिंहासन खोजते हैं। भगवान कहते साधना में सुखासन पर बैठ जाओ, जैसे पालती मार करके बैठते हैं, इसको पद्मासन भी कहते हैं। और जिसमें सुख मिले उस आसन पर बैठ करके, जितासनो जितस्वासो, पहले आसन जीतो। आसन पर जब बैठने का अभ्यास होने लग जाए, फिर धीरे धीरे करके प्राणवायु को ऊपर ले जाओ, और धीरे धीरे करके उन प्राणवायु को धीरे धीरे छोड़िए। जो गुरुदेव ने गुरु मंत्र प्रदत्त किया है, या तो उस मंत्र से स्मरण करें, या केवल प्रणव का उच्चारण करें, ओम प्राणों को विश्राम मिले, ऐसा प्राणायाम करे। तो सबसे पहले श्वासों पर, पहले आसन फिर श्वासों को जीते। जब श्वासों पर हमारा थोड़ा नियंत्रण हो जाए, उसके बाद में जित संगो जितेंद्रिया, फिर ये विचार करना है कि भैया ताश खेलने वाला दोस्त है या दारू पीने वाला दोस्त है। फिर अपने संग पर चिंतन करो कि संग मेरा कैसा है। हम चले सत्संग सुनने, हम सुने चलो एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान, मिल गया मित्र, बोले कहां जा रहे हो टीका चंदन लगा करके। अरे भाई कथा हो रही ना, वृंदावन से आए हैं बाबा जी कथा सुनाने। अरे कब से तुम पंडित जी बन गए, आओ ना दो तो हाथ हो जाए। बैठ गए बाबू। तो भैया सत्संग में कहीं कोई बाधक ना बन जाए, इसलिए जित संगो जितेंद्रिया। संग हमारा कैसा है इस पर निरीक्षण करना है, इस पर ध्यान देना है। उसके बाद जितेंद्रियः, फिर जो पनीर के पकौड़े बनते हैं और जीभ में पानी आ जाए, गोलगप्पे कुचके की दुकान को देख करके मोटरसाइकिल से कूद पड़ते हैं ना, जो फिर उस जीभ पर कंट्रोल करें, नहीं खाना जिह्वा पर, ग्राणेंद्री पर, रसनेन्द्री पर, चक्षेन्द्री पर कंट्रोल करें। उसके बाद स्थूले भगवते रूपे, फिर चाहे राम को मानो, चाहे शिव को, चाहे काली को, चाहे हनुमान को, चाहे भैरव को, जिसको भी आप मानते हैं उसका चित्रपट अपने घर में लगावें, और उस चित्रपट का दर्शन करते करते नेत्र बंद कर ले। स्थूले भगवते रूपे, स्थूल रूप हो या भगवत रूप हो, आप निर्गुण हैं तो नेत्र बंद करके करो, सगुण है तो भगवान का दर्शन करो। मना संधारये धिया, मन मने बुद्धि, धिया मने मन, मने मन सहित धिया मने बुद्धि लग जाएगी, ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने मन लगाने का साधन बताया। अब हम लोगों की उल्टी रीति है, कैसे यहां से गए पैसा लगा करके 500-700 किलोमीटर दूर वृंदावन, या बाबा वैजनाथ धाम नजदीक है आपके यहाँ। जब बाबा वैजनाथ धाम या बिहारी जी या रामलला के दर्शन करने के लिए तीर्थ में पहुंचे, तो जैसे पहुंचे तो भगवान को देखा, देखते ही आंख बंद कर ली, ऐसे मुनमुनाने लगे। भगवान बोले भले आदमी तू क्या कह रहा है, तो इतनी दूर से चल करके आया और देखते ही मुझे आंख बंद कर लिया। भगवान कहते भाई तो इतनी दूर से चल करके आया, पहले नजर तो मिला उससे, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, और दोनों खामोश खड़े, उधर भगवान इधर भक्त, और इशारे में बात कर ली। सज्जनों
जब हम भगवान के श्री चरणों से दर्शन करना आरंभ करेंगे और वही श्री चरण जब हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे तो भगवान के चरण चिन्हों में वज्रांकुश है और हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार दंभ पाखंड आदि छुपा हुआ है। तो धीरे धीरे करके सबसे पहले भगवान के चरण जब हमारे हृदय में जाएंगे तो वो काम क्रोध लोभ नष्ट हो जाएगा, निर्मल हृदय। और भगवान के धीरे धीरे करके पहले चरणों का ध्यान, उसके बाद फिर घुटनों का ध्यान, फिर जंघा का ध्यान, फिर भगवान के कटी प्रदेश कमर का ध्यान करें, फिर भगवान की नाभि आदि, फिर ग्रीवा आदि का, फिर मुखमंडल का। तो चरणों से मुखमंडल की तरफ दर्शन करना चाहिए, अपितु मुख से नीचे की तरफ नहीं। उल्टी रीति है हम लोगों की। हम लोग क्या करते, जैसे भगवान के दर्शन किए सीधा आंख मिला दी और आंख मिलाते ही आंख बंद कर। भगवान के श्री चरणों से धीरे 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 करके मुखमंडल की तरफ आगे बढ़े, ये दर्शन का विधान है। इस तरीके से यदि हम लोग दर्शन आदि करें तो वो दर्शन भी सफल है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए, और जब तक हमने अपना आंगन, जब तक हमने अपना हृदय नहीं पवित्र किया, तब तक कैसे भगवान आए, आप बताइए। आज देखो पंडाल में इतनी साफ सुथरी व्यवस्था है तो सब लोग आकर के बैठ गए। अभी यदि गंदी व्यवस्था होती, गंदा होता तो कौन आता यहाँ। तो जैसे आप लोग अपने घर को सफा रखते हो, घर में सोचते हो कि गंदगी ना फैले, ऐसे ही इस शरीर रूपी घर में हृदय रूपी आंगन को बिल्कुल पवित्र निर्मल स्वच्छ बना करके रखो और तभी भगवान आएंगे भाई। इसलिए आइए अपने हृदय के आंगन को हम सब लोग बुहारना, मतलब बिहार और यूपी की तो भाषा में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, सफा करना। आइए भगवान के उस पावन भजन को स्मरण करें। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा,
का आंगन यदि साफ ना हो तो रिश्तेदार भी थोड़ी देर रुक करके चला जाता है। और भैया जब हृदय का आंगन अपवित्र है तो जगत पिता नारायण कैसे हमारे हृदय रूपी आंगन में रह सकते हैं। इसलिए भैया भागवत हो, मानस हो, गीता हो, जितने ग्रंथ हैं ये हम सबको यही सिखाते हैं, यही बतलाते हैं। मन पवित्र हो, हृदय बिल्कुल निर्मल हो, कपट भाव ना हो, तो भगवान कहते उस जैसा हृदय संसार जगत में कोई दूसरा हृदय। आज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने मन लगाने का साधन बताया। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है, कस्य नो चलिता मनः, किसका मन नहीं चलता। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, जब राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा, पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा दृष्टा यौषत यौवन, महाराज बगीचे के किनारे से कोई जा रहा हो, खिला हुआ फूल हो, किसका मन नहीं कर जाता कि फूल तोड़ ले। ऐसे ही युवा अवस्था में मन किसका नहीं भटकता। राम जी ने कहा, लखन मन नहीं भटकता उनका, किनका, पिता यस्य सुचिर भूत्वा माता यश पतिव्रता एन संसर्गेण जातः तस्य नो चलितः मनः। पिता धर्मात्मा हो और मां भगवत चरणारविंद में मन लगाने वाली हो, ऐसे माता पिता के संसर्ग से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो पुत्र ही परम वैष्णव कहलाते हैं। वही पुत्र राष्ट्र के निर्माण में विशाल योगदान देते हैं महाराज। इसलिए हम लोग अपनी संतान के प्रति संतान को अच्छा ज्ञान दें, और वास्तव में यदि हमारा जीवन पवित्र होगा तभी बालक भी पवित्र होंगे। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रभु ये भगवान नारायण स्थूल रूप में कैसे परिणित है और किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार किया, इसके बारे में हमको कहिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, परीक्षित जब भगवान नारायण अपनी लीला को समाहित करके और सहस्र फणापण मंडल मंडिते हजार फण वाले शेष भगवान पर हाथ की तकिया लगा करके प्रभु सो जाते हैं, केवल शेष है और भगवान है, केवल आदि नारायण और शेष नारायण है, अभी लक्ष्मी भी नहीं प्रकट है। भगवान ने चराचर ब्रह्मांड में जल ही जल कर रखा है, इसलिए मेरे गोविंद का नाम पड़ा प्रथम में नारायण। नार कहते जल को, अयन कहते हैं मकान को। ऐसे मेरे नारायण प्रभु के मन में जब इच्छा जगी कि एक से अनेक हो, सृष्टि का विस्तार करूं, तो भगवान नारायण के नाभि से एक कमल तंतु निकला, कमल, और उस कमल में भगवान ने मन से ही प्रकट किया ब्रह्मा जी को। बोलो राधे राधे। मन से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी का एक मुख था, चातुर्विधाय पुरुषस्य। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, भगवान ने कहा ज्यादा कष्ट मत करो, चलो चार मुख दे देते। पितामह ब्रह्मा के चार मुख हुए, ब्रह्म ज्ञान से सने, इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मा। भविष्य फल लिखते, इसलिए इनका नाम पड़ा विधिना। तो विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रह रह जीव निसंग। राई कितनी छोटी होती है और तिल कितना छोटा होता है। आज हमारा मन यूं ही भटकता है, बेटा पढ़ेगा कि नहीं, महाराज बताओ ना इसकी कुंडली में क्या लिखा है। देखो ये हमारा कहना नहीं मानते, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ। अरे मेरे विधाता ने सब कुछ निश्चित कर रखा है, किसको भक्त बनना है, किसको परम भक्त बनना है, किसको वैष्णव बनना है, किसको अवैष्णव बनना है,
जब जीव का जन्म होता है छठ वाले दिन विधना मने विधाता ब्रह्मा लेखनी को लिख देते हैं, लेखनी चला देते हैं। अब मेरे गोविंद जन्म और मृत्यु की दो डोरी खींचते हैं, जो दो लकीर खींचते हैं उसके बीच में जीव यात्रा करता है। छह चीजें मेरे गोविंद ने अपने पास रखी, बाकी सारी चीजें संसार को दे दी। क्या क्या? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश। कब किसको नुकसान हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी व्यापारी नुकसान करने के लिए व्यापार थोड़ा करता है, लेकिन नुकसान हो गया, मान लो थोड़ा सा व्यापार किया और फायदा मिल गया, किसी के घर में गया उसके उसके उद्धार के लिए, उसको सजाने के लिए, उसको बताने के लिए कहो, जाते जाते कलंक मिल जाए, और मान लो किसी के बारे में सोचा भी नहीं और दूसरे के मन में भाव जग जाए उसके कारण ये हो गया, ले भैया यश मिल जाए। और किस जन्म किस भूमि पर कहां किसका जन्म होगा और कहां किसकी मृत्यु, ये छह चीजें विधि के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, विधि बने ब्रह्मा जी के हाथ। तो आज मेरे नारायण ने अपने नाभि से कमल का फूल प्रकट किया, उसमें से चार मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी से कहा कि अरे विधाता तप करो, कई वर्षों तक ब्रह्मा जी उस कमल के तंतु के सहारे नीचे उतरते रहे कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, मुझको किसने प्रकट किया, क्यों प्रकट किया, किसके लिए प्रकट किया। आज ब्रह्मा जी उतरते उतरते थक गए, डर के मारे कहीं भटक न जाऊं इसलिए उसी कमल तंतु के सहारे ऊपर चढ़ गए और कमल पर बैठ करके विचार करने लगे कि आखिर मुझको किसने बनाया, क्यों बनाया, केवल मैं ही हूं। आज कवि यानी आज कवि मैंने ब्रह्मा जी प्रथम कवि है सृष्टि के। आज ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, भगवान ने सोचा कहीं मेरा ब्रह्मा भटक ना जाए, इसलिए आज मेरे गोविंद जल से ज्ञान प्रदान कर दिए। पर्वत पर्वतों से झरने बह रहे थे, झरनों से आवाज आ रही थी, इस पर से सुहित षोडश एक विंश का और ज्ञा की वर्णमाला में का से ज्ञा तक के बीच में कितने अक्षर होते हैं। ले भैया पहली पढ़ाई का खा गा घा अंगा और उसमें भी का से ज्ञा तक के बीच की अक्षरों की संख्या तो बता दो, मैं वेद थोड़ो पूछ रहा हूं। सिया राम, अरे भाई वर्णमाला में का से ज्ञा के बीच में 36 अक्षर कहे गए, उनमें से भगवान ने कहा कि 16 एक अविंश। अरे ब्रह्मा जी उनमें से 16वां अक्षर लो। ब्रह्मा जी ने गिनते गिनते 16वां अक्षर पढ़ाता, एक विंश बोले 21वां अक्षर लो, 21वां अक्षर पढ़ाता, ता और पा को मिला दिया गया तो क्या हुआ, तप, तप निश्चित हुआ। आज जल के द्वारा ब्रह्मा जी को भगवान ने आज अकारण कृपा करके ज्ञान प्रदत्त कर दिया, ऐसे जगत पिता नारायण ने नार मने जल से ज्ञान प्रकट किया, इसलिए मेरे गोविंद का नाम नारायण पड़ा। ब्रह्मा जी तप करो तप करो तप करो तप करो। और मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं, आप कहते हो महात्मा जी आए थे बहुत तपस्वी हैं, अरे उनकी तपस्या है, उन्होंने भगवान का भजन किया, अरे आप भी भगवान का भजन करो, आप भी तप करो, आपके भी जीवन में वही चीज आएगी। हम भारतवासियों का स्वभाव है पीछे लगना, करना नहीं कुछ, बस तपे तपाए तपस्या से भरे हुए महात्मा जी आ गए, बस हाथ रख देवे हमको अरबपति बना देवे जय सिया राम। पंचमो भजनो सुवेदु प्रकाशा, पंचमो भजनो सुवेदु प्रकाशा, पंचमो भजनो सुवेदु प्रकाशा, पंचमो भजनो सुवेदु प्रकाशा, पंचमो भजनो
में प्रकाशित है। सबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश देते समय भगवान राम ने पंचम भक्ति कही, भजन भजन। और भजन छुप करके होता है, छप करके भजन नहीं होता। जिन्होंने छपा है उनका भजन नहीं हुआ, जो छुप गए उनका भजन हुआ, ये यथार्थ है। छुप के देखो मुरली वाला, छुप के देखो मुरली वाला, छुप के फेरो मन की माला, छुप के फेरो मन की माला, हीरे में नहीं मोती में नहीं, हीरे में नहीं मोती में नहीं, जहाँ याद करो भगवान, जहाँ याद करो भगवान, मंदिर में नहीं मस्जिद में, मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, महलों में नहीं कुटिया में, महलों में नहीं कुटिया में, याद करो भगवान, जहाँ याद करो भगवान, भगवान भगवान। मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, महलों में नहीं कुटिया में, जहां याद करो भगवान, छुप के फेरो मन की माला, छुप छुप करके भगवान का भजन करो, नजर ना लग जाए कोई, ये ना कह दे तू बड़ी मीराबाई बन गई। घर के आंगन में, घर के मंदिर में भगवान का जब भी समय मिले भजन करो। और भजन ही एक ऐसी औषधि है, दुनिया में समस्त प्रकार के व्याधियों से ये भजन हमारा उद्धार कर देता है। हीरे में नहीं मोती में नहीं, जहां याद करो भगवान वही। आज मेरे नारायण ने जल के प्रभाव से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदत्त किया, ब्रह्मा जी को तप शब्द मिला, 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा, ब्रह्मा जी ने तप किया, तब के प्रभाव से भगवान ने आकाशवाणी की, अरे पितामह मैंने तुमको प्रकट किया और तुम सृष्टि का विस्तार कर। आज मेरे नारायण प्रभु प्रकट होकर के पहले आकाशवाणी दिया किया, उसके बाद प्रकट होकर के भागवत के चार मंत्र प्रदान किए, बोलो राधे राधे। अब हम लोग सोचते भागवत तो कोई साधारण ग्रंथ है, सबसे पहले भगवान ने वेदों के निर्माण से पहले वेद था ही नहीं। अरे भाई वेद होता पहले ब्रह्मा जी होंगे तब तो वेद प्रकट होगा, इसलिए सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने चार मंत्र प्रदत्त किए श्रीमद् भागवत के। उन्हीं चार मंत्रों को हम लोग चतुष श्लोकी भागवत कहते हैं। चार मंत्र लेकर के, चार श्लोक लेकर के चिंतन करते रहते करते रहे भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, पांच तत्वों का निर्माण हुआ, पांच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, चित जल पावक गगन समीर पंच रचित अति अधम शरीर। भैया जिसको क्रोध आवे तो समझ लो उसके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है,
भाई पांच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। क्षिति माने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, पांच तत्वों से निर्मित ये शरीर है। कहते महाराज हमारी सांस बहुत ठंडी है, बहुत सीधी है, समझ लो उसमें जल का प्रभाव ज्यादा है, समझ लो उसमें इसमें धरती का तत्व तो ज्यादा है, क्योंकि धैर्यवान सबसे ज्यादा इस धराधाम पर है तो धरती है। महाराज विपत्ति आवे तो धैर्य धारण करने की जरूरत है। सबसे जो मिलने का प्रयास करे, जिसका स्वभाव सबसे मिलनसार हो, समझ लो कि जल तत्व तो वायु तत्व तो से जीव में ज्यादा है, और जिसको बहुत क्रोध आवे समझ लो अग्नि तत्व तो ज्यादा मिल गया। पांच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ, धीरे धीरे कर करके पांच तत्वों से 24 तत्वों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, जैसे सृष्टि का विस्तार किया तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने छाती से धर्म को प्रकट किया, पीठ से अधर्म को प्रकट किया, गोदी से ब्रह्मा जी को नारद जी को प्रकट किया, ब्रकटी से दोनों नेत्रों के ब्रकटी के मध्य में 11 रुद्रों को प्रकट किया। जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था तो ऋषियों को प्रकट किया, और ब्रह्मा जी ने दाहिनी भुजा से मनु महाराज को प्रकट किया और बाईं भुजा से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया। पहले संसार जगत में सृष्टि के समय में मैथुनी सृष्टि नहीं थी, संकल्पित सृष्टि थी, संकल्प लिया कार्य हो गया। बोलो राधे राधे। मनु महाराज को प्रकट करने के कारण मनु और शत्रुपा महारानी का विवाह हुआ और वहीं से मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, ये कहां से आए भाई? केवल हम सबको बांटा गया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को प्रकट किया और हम सब लोग मनु महाराज के वंशज हैं इसलिए मनुष्य कहलाए। सब लोग, हम सब लोग मनु महाराज के वंशज कहलाए, वंशज है इसलिए मनु महाराज के वंशज होने के कारण मनुष्य कहलाए। और कई बार हम लोग जब किसी से कोई झगड़ा होता है तो कहते हैं भाई अब मैं तुझे मन से कह रहा हूं ऐसा मान ले, नहीं तो तेरा मेरा कभी जीवन में मिलन नहीं होगा। अपने पूर्वजों को याद करते ना, मनु महाराज को मन से याद कर। सृष्टि का विस्तार हो रहा था, जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, आज मेरे प्रभु नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि का विस्तार करो पितामह। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने ऋषियों को प्रकट किया, कश्यप ऋषि को प्रकट किया। कश्यप ऋषि की पत्नी है जिनका नाम अदिति महारानी है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति, दिति से दैत्य लोग प्रकट हुए और अदिति महारानी से आदित्य माने देवता लोग प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने, पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार करते 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 करते, हम सब लोग ऋषियों की संतान है इसलिए जब भी कभी अनुष्ठान होता है तो गोत्र पूछा जाता है, गोत्र बताओ। गोत्र में ये नहीं कहा जाता कि हम मित्तल हैं, सिंगल हैं, गर्ग हैं। जो गोत्र की बात आती है महाराज उसमें कहते हैं कि हमारा कात्यायन गोत्र है, उपमन्यु गोत्र है, अंगिरा गोत्र है। ऋषियों के नाम से गोत्रों का निर्माण हुआ। तो हम सब लोग भारत की पावन भूमि पर बैठ करके ऋषियों की संतान हैं इसलिए ऋषियों के नाम से गोत्रों का निर्माण हुआ। आज ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को दिति और अदिति महारानी को प्रकट किया। दिति से दैत्य प्रकट हुए, अदिति से देवता लोग। शाम का समय था, कश्यप ऋषि भजन पर बैठे थे, दिति महारानी आई, बोले महाराज अरे पतिदेव मुझे पुत्र की इच्छा है, आज मेरे मन में है कि मेरी गोदी में भी बालक खेले। यही दोनों वक्त मिल रहे थे, संध्या का समय था। कश्यप ऋषि ने कहा देवी शाम के समय ये चार कर्म वर्जित हैं। बोलो राधे राधे। क्या? संध्या काले चचम प्राप्ते, संध्या काले च संप्राप्ते, चतुर कर्मणि वर्जये
चार काम हम सब लोगों के लिए वर्जित है। घर में कितना भी काम हो, ये शाम का समय जो आधा घंटे का होता है, इसमें परहेज करो। चार काम क्या? शाम के समय पहले सोना नहीं चाहिए। यदि दोनों वक्त मिल रहे, यदि हम हाथ में तकिया लगा करके बढ़िया सो गए, तो समझ लो निद्रायाम हरते लक्ष्मी। कितना भी अनुष्ठान करा लो, कितना भी जप कर लो, कितने भी विद्वानों से अनुष्ठान कराओ, फिर घर में लक्ष्मी रुकने वाली है। इसलिए शाम के समय स्वस्थ व्यक्ति को कभी सोना नहीं चाहिए। और यदि कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई असमर्थ है, उसके लिए नियम नहीं लागू होता। निद्रायाम हरते लक्ष्मी। और शाम के समय गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो गर्भ दुष्टस्य जायते, आसुरी प्रवृत्ति के बालक पैदा होते। फिर कहते महाराज बिल्कुल कहना नहीं मानता। अरे भाई शास्त्र ने तो पहले बता दिया। आहारे जायते व्याधि। शाम के समय यदि हम लोग भोजन करते तो भोजन नहीं, वो तो व्याधि बीमारी को खा रहे। आपको याद होगा पुराने समय में जब ये संसाधन नहीं थे, तो दीपक जला करके शाम के समय सूर्य भगवान को वंदन किया जाता था कि रात्रि आ रही है। नन्ना सा बालक, दादी मुझे भूख लगी अभी खिलाओ, तो दादी क्या करती, दीपक जला देती। दीप जलाने के बाद दोष नष्ट हो जाता, फिर बच्चे को रोटी दे देती। इसलिए आहारे जायते व्याधि। शाम के समय यदि हम लोग भोजन करते हैं तो व्याधियों का भक्षण कर रहे हैं, व्याधियां बुला रहे हैं। और शाम के समय स्वाध्याय मरणम भवेत। शाम के समय कोई अध्ययन वगैरह नहीं करना चाहिए। बच्चे भी यदि हमारे घर में शाम के समय अध्ययन करें तो आधा घंटे का समय टाल दो। भैया यदि शाम के समय हम सरस्वती माँ को बुलाते हैं ना, तो महाराज धीरे धीरे करके वो उस व्यक्ति की उम्र घटने लग जाती है। इसलिए स्वाध्यायम मरणम। आज दिति महारानी नहीं मानी, दिति महारानी के जो पति हैं, जो कश्यप ऋषि, उन्होंने कहा देवी शाम का समय है, मैं कैसे पुत्र की कामना की पूर्ति करूं। नहीं मानी दिति महारानी। परिणाम स्वरूप दो पुत्रों को जन्म दिया, दोनों पुत्रों को जन्म दिया। दो पुत्र, एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप, विकराल राक्षस। हिरण्याक्ष का मतलब होता लोभ। व्यक्ति के जीवन में पतन की पहली सीढ़ी है लोभ। यदि तृप्ति नहीं है, लोभ बढ़ता जा रहा, तो समझ लो कि धीरे धीरे करके लोग आपसे दूर होते जाएंगे। पतन का कारण लोभ है। इसलिए आज हिरण्याक्ष लोभ के रूप में प्रकट हुआ, जन्म लिया, और हिरण्याक्ष ने इस धरती को चुरा करके सीधा समुद्र में छुपाया है। बोलो राधे। जैसे धरती को छुपा करके आया, जल मग्न कर दी धराधाम को। धरती का वैज्ञानिक तौर पर यदि देखिए तो धरती एक ग्रह है, धरती माँ गोल है। इसलिए आप घर से सुबह से कहीं भी चले जाओ, आप यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, कहीं चले जाओ, जहां से जाओगे वहीं आओगे। इसका मतलब जहां से यात्रा आरंभ होती वहीं विश्राम होती है। तो भैया सिद्ध होता है कि धरती गोल है, कहीं भी भटक आओ आओगे वहीं। आज धरती को जल में छुपाया, भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से बोले सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं करते। ब्रह्मा जी बोले महाराज कैसे विस्तार करें, धरती को ये राक्षस चुरा ले गया। आज आज जैसे कहा कि राक्षस चुरा ले गया महाराज, देवता जितने प्रकट हुए थे सबसे स्वर्ग छीन लिया, देवता बेघर हो गए, एक क्षत्र राज हिरण्याक्ष का रहा। अदिति महारानी बड़ी दुखी है, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। आज जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं, तभी ब्रह्मा जी को छींक आई। जैसे छींक आई तो बाएं नथिका से अंगूठे के बराबर सफेद रंग के सुअर के रूप से भगवान प्रकट हुए।
बोलिए बाराह भगवान की जय। भगवान बाराह प्रकट हो गए। आज कोई अपवित्र व्यक्ति छू ले तो हम लोग 10 बार हाथ धो लेते हैं। अरे भाई, वर्क सोने का चढ़ा गोबर की मिठाई पर, गोबर की मिठाई है सोने का वर्क है, हम किससे परहेज करेंगे? यदि धुलनी है तो मन की गंदगी को धुलो ना। आज इस छुआछूत ने हमारे देश को बांट करके रख दिया। आज जो हमारे हमारे सनातनी अन्य धर्मों में जो गए उसके उसके मूल रूप में हमारे ही बुजुर्ग थे। इतना छुआछूत रखा कि उनको आश्रय चाहिए था और उनको हम लोगों ने निराश्रित कर दिया। फिर उन्होंने दूसरे धर्मों की खोज की। सज्जनों, आज मेरे नारायण ने बाराह रूप से प्रकट हुए, अंगूठे के बराबर देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया। जैसे भगवान बाराह समुद्र की तरफ जा रहे थे, तभी देवदत्ताम नाम बीड़ा सर ब्रह्मो विभूषिताम नारद जी महाराज वीणा की झनकार बजाते हुए आज नारद बाबा जैसे जा रहे थे, तो समुद्र की तरफ से राक्षस आ रहा था, हिरण्याक्ष इधर से नारद जी जा रहे थे, मुलाकात हो गई। जैसे हिरण्याक्ष ने कहा, ओ तमुरे वाले बाबा सुनो, नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस दुष्ट से कैसे मुलाकात। नारद जी ने कहा, काम सब गड़बड़ हो गया, इससे देवता भी डरते हैं, सब छुप छुप करके रह रहे हैं, भगवान आज मैं कहां इस दुष्ट के चक्कर में पड़ गया। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, दाता दे नरक में वास। अरे इन दुष्टों के संग से श्रेष्ठ तो नरक में वास मिल जाए। आज नारद जी को जैसे कहा, ए तमुरे वाले बाबा इधर आओ। नारद जी ने कहा कि आज युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी खुजली इसकी मिटाऊंगा कि जीवन में भी कभी लड़ेगा ही। नारद जी के भुजाओं को पकड़ करके बोला, क्यों ये लंबी लंबी चुटिया तिलक लगा करके बीड़ा लेकर के जा रहे हो, कभी लड़ना झगड़ना भी सीखे हो कि नहीं? नारद जी ने कहा, नहीं भैया, लड़ना तो नहीं सीखे। अरे भाई, क्या आप मुझसे युद्ध कर सकते? बोले, महाराज मैं आपसे युद्ध भी नहीं कर सकता। तो बोले, फिर आप क्या कर सकते हो भाई? बोले, महाराज लड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना बहुत बढ़िया आता है। आप कहो तो ऐसा योद्धा खोज करके दे दूं महाराज, जीवन भर की खुजली ही मिट जाएगी आपकी। बाहे फड़फड़ा रहे अजान बाहु, जैसे जैसे कहा, कोई योद्धा का ही नाम बताओ। तभी भगवान बाराह समुद्र से धरती को लेकर के आ ही रहे थे। देखो वो बाराह भगवान आ रहे, विराट पुरुष। ऐसी ललकार आज हिरण्याक्ष ने ऐसे ललकारा भगवान को, और भगवान से हिरण्याक्ष का युद्ध आरंभ हुआ। भैया सुबह से शाम हो गई, युद्ध होते होते देवता पेड़ के पीछे छुप छुप करके देखते, अभी तो ये मरा नहीं, इसलिए देवता भगवान की स्तुति भी नहीं करना, ना तो जय हो बोलते हैं, छुप करके बस यही कहते, प्रभु कहीं आप कमजोर मत पड़ जाना इससे। भगवान बोले, देखो तो सही, इनकी ऐसी पिटाई कर रखी कि कोई भी देवता सामने आ नहीं रहा। शाम का समय था। नारद जी बोले, प्रभु रात्रि में दुष्ट की शक्ति, प्रेत की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की शक्ति दुगनी हो जाती है, इसलिए इसका आप वध करो। तभी देखते देखते भगवान ने बाराह रूप से आज युद्धा युष्मर्दिन दान मृगये ग्राम सिंघान, मृगये ग्राम सिंघान। मृग कहते हैं सिंह को, मृग कहते हैं शेर को, और ग्राम सिंह को कहते हैं संस्कृत में ग्राम सिंह, और हिंदी में कुत्ता कहते हैं। बोलो राधे। भगवान ने गाली दी, बोले तेरे जैसे कुत्तों से लड़ने के लिए शेर काफी है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज भगवान को क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध आया कि स्मार्धियम धान मर गई ग्राम सिंह, बोल पड़े ए ग्राम सिंह, तो उससे लड़ने के लिए मृग काफी है। युद्ध हुआ, लोका नाम धेय सरमणि, भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया, सीधे लेट गया महाराज जल पर। देवता बोले, अभी महाराज की जिंदा है कन्फर्म नहीं, इसलिए मिली जुली स्तुति करते, भगवान की स्तुति नहीं बोली। चितौ सयानम तम कुंठे वर्चसम
कराल दृष्टम परिदष्ट दक्षदम चितौ सयानम तम कुंठ वर्चसम। देखो देखो ऐसे सो रहा जैसे वीर गति को प्राप्त हुआ व्यक्ति थक गया हो और थकने के बाद ऐसे सो रहा। देखो दांत कितने विशाल हैं, आंख कितनी बड़ी है। भगवान बोले भले आदमी, अरे देवताओं तुम हमारी स्तुति कर रहे हो कि इस दैत्य की। भगवान ने पैर से उसको उल्टा दिया, जैसे उल्टा दिया तो जल में तैरने लगा, तब देवताओं ने भगवान की पावन स्तुति करी। देयम सदा परिभवाग्निमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिञ्चिनुतम शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणतपाले भवाद्विपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ऐसे जगत पिता प्रभु के महापुरुष के चरणों में वंदन किया भगवान ने, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हो रहा है। जब धरती को लेकर के आ रहे थे भगवान, तो धरती के मन में अभिमान जग गया कि आखिर मेरे बिना भगवान का काम नहीं चला। तो आज धरती के मन में जैसे अभिमान जगा, तो भगवान ने मेरे नारायण ने वाराह रूप से उस धरती को वृंदावन का दर्शन कराया। अरे मन चल वृंदावन धाम। आज जैसे वृंदावन का दर्शन कराया तो धरती ने कहा प्रभु ये धरती? बोले भाई अरे धरती ये तो मेरा आंगन है, घर है। कितना भी सृष्टि का विस्तार हो जाए, चार भूमि ऐसी है जिनका कभी पतन नहीं होता। पहले वृंदावन भगवान की बंसी पर टिका है, दूसरा चित्रकूट भगवान की बाण पर टिका है, तीसरा अयोध्या भगवान के धनुष पर टिका है, और चौथी भगवान की काशी जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। इसलिए ये भगवान के अपने अपने घर हैं। आज धरती का अभिमान दूर किया और वृंदावन का दर्शन कराया, तब से धरती का विमान दूर हो गया। आइए हम सब लोग एक बार मन से श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करके आए। Thank you.
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलोगे क्या? मन से जाओ। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, इस प्रकार से आज मेरे गोविंद ने 12 रूप धारण करके धरती का उद्धार किया और इस धरती को जो अभिमान हो गया था वृंदावन का दर्शन करा करके धरती का भी अभिमान दूर हुआ, धरती की स्थापना करी। ब्रह्मा जी से कहा पितामह, ब्रह्मा जी अब सृष्टि का विस्तार करो, अब आप ये नहीं कह सकते कि धरती राक्षस चुरा के ले गया। आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना आरंभ कर दिया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त भृगुर वशिष्ठ ऐसे दिव्य ऋषियों को प्रकट किया और ये सब सदग्रहस्थ ऋषि कहलाए। बोलो राधे राधे। ऋषियों का विस्तार किया, सृष्टि का विस्तार किया, लेकिन जिनसे ब्रह्मा जी जिनको प्रकट करते कहते चलो सृष्टि का विस्तार करो, ये ऋषि कहते महाराज पहले भजन करेंगे फिर सृष्टि का विस्तार करेंगे। चले जाते हैं कंदराओं में भजन करने के लिए, भजन करते करते मन इतना रम जाता है कि महाराज फिर गृहस्थ में जाने की इच्छा नहीं है। आज जैसे सृष्टि का विस्तार हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को प्रकट किया। बोलो राधे राधे। कर्दम ऋषि को प्रकट किया। अब कर्दम ऋषि की जो परिभाषा है, उत्सितानि इंद्रियाणि स्वाधीनम करोति इति कर्दम, जो दूषित इंद्रियों को अपने बस में करे ऐसे कर्दम ऋषि को प्रकट किया। सज्जनों, जैसे ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो जाओ गृहस्थ में जाओ भाई सृष्टि का विस्तार करो, कर्दम ऋषि बोले महाराज पिताजी पहले हम भगवान का भजन करें। भगवान का पावन भजन किया, भजन करते करते इतने रम गए, इतने रमण करने लगे अंतर मन में। आज मेरे गोविंद ने जब ब्रह्मा जी से कहा कि विस्तार क्यों नहीं करते, बोले महाराज आपका भजन आपकी कीर्तन आपकी कथा ही ऐसी है कि जो एक बार सुन लेता वो बंधन मुक्त हो जाता है। आज मेरे नारायण प्रभु प्रकट हो करके कर्दम ऋषि को दर्शन देने के लिए पहुंचे। बोलो राधे राधे। जब दर्शन देने पहुंचे तो कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया। मेरे नारायण प्रभु ने कहा अरे कर्दम अब तो गृहस्थ में जाओ विवाह करो। कर्दम जी ने कहा महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं विवाह करने की। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा नहीं, हम तुम्हारे लिए बिटिया देखा है, बड़ी समस्या है भाई। कर्दम जी ने सोचा कि यदि गोविंद ने कोई नारी किसी बिटिया को देखा होगा तो उचित ही देखा होगा। आज आज जैसे कर्दम जी ने कहा प्रभु आप किसको देखा है? बोले मेरी आज्ञा है कि आज से तीसरे दिन कर्दम मनु महाराज अपनी बिटिया को लेकर के आएंगे जिसका नाम देवहूति है और देवहूति के साथ में तुम्हारा विवाह निश्चित होगा। भगवान वरदान देकर के
अंतर ध्यान हो गए। मनोस्तु सतरूपाया त्रिसह कन्या सि जग निरे आकूर्तिर्देव भूतिशो प्रसूति ऋतुविश्रुता। मनु महाराज की तीन बेटियां हैं, आकूति, देवहूति और प्रसूति। तो आज सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले बीच वाली बिटिया के वंश का वर्णन किया, बोले जो देवहूति महारानी है ना, देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होना सुनिश्चित हुआ। भैया ये ठहरे बाबा जी, वो महाराज की बेटी है, एक छत्र सम्राट मनु महाराज की बिटिया है। जब देवहूति महारानी को रथ पर बिठा करके सतरूपा महारानी और मनु महाराज दोनों पधारे, तो आज कर्दम ऋषि ने उनका स्वागत किया, गोबर की लीप कर दी, तीन आसन दिए, कुसा के चटाई थी भाई, वहां और तो बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, कुसा के तीन आसन दे दिए, स्वयं भी कुसा के आसन पर बैठे हैं। आज कर्दम ऋषि ने सोचा कि जिनको भगवान ने कहा कि मेरे नारायण ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बेटी देख के आया हूं, आखिर उस बिटिया की बुद्धि का परीक्षण तो कर लो। आज मेरे कर्दम भगवान ने, कर्दम ऋषि ने तीन कुसा के आसन दिए, मनु महाराज आसन पर बैठे। मनु महाराज की जो पत्नी सतरूपा महारानी, वो भी चटाई के आसन पर, कुसा के आसन पर बैठे। देवहूति महारानी के लिए भी आसन दिया गया। देवहूति महारानी आसन पर नहीं बैठी, दाहिना हाथ चटाई पर यानी आसन पर रख करके धरती पर बैठ गए। आज कर्दम ऋषि ने सोच लिया कि संस्कारित है, नारायण प्रभु ने मेरे लिए जीवन साथी के रूप में खोजा है। आज देवहूति ने सोचा कि यदि चटाई में बैठूंगी तो बराबर पति के आसन हो जाएगा, और यदि पति के द्वारा आसन दिया हुआ है यदि उसमें नहीं बैठूंगी तो अपमान होगा, इसलिए दाहिना हाथ आसन पर रख लिया, धरती पर बैठ गई। मनु महाराज ने बिटिया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। अश्वपूरित नेत्रों से आज भारत के सम्राट, एक छत्र सम्राट मनु महाराज अपनी राज परंपरा में आए। बड़ी विलक्षणता रही, जिन कर्दम ऋषि ने सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादश, सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक साधना करी, ऐसे मनीषी ने जैसे विवाह किया। देवहूति महारानी से बोले, देवी बैठो इस गुफा पे, इस भवन में मैं स्नान करके आता हूं। और जैसे स्नान करने के लिए कर्दम ऋषि पधारे, गोता लगाया, वहीं बैठ करके समाधि लग गई, 40 वर्ष तक की समाधि लग गई। बोलो राधे राधे, धन्य है देवहूति माँ, कोई सास नहीं, कोई ननद नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, महलों में पली है, कमल की पंखड़ियों पर चरण रखने वाली देवहूति। आज पति के साथ, ऋषि के साथ विवाह पिता ने कर दिया, और वो महात्मा ऐसे ठहरे कि जंगल में महाराज गोता लगाया, नदी में और समाधि में डूब गए 40 वर्ष तक। वो देवहूति महारानी कहीं नहीं गई, अपने हृदय की क्रंदन को, अपने हृदय की बात को अपने पिता तक नहीं पहुंचाया। घर वही बसते हैं, परिवार वही सुखमय होते हैं, जो बहुएं अपने दुख को, अपनी समस्याओं को अपने तक रखे। यदि बात बात में टेलीफोन होने लग जाएगा, घर में मां का ज्यादा सहयोग होने लग जाएगा, तो समझ लो घर बसने के कम चांस होते हैं। आज हमारे ग्रंथों ने यही तो सिखाया, 40 वर्ष की समाधि लगी, कुछ भी नहीं था, सूखे पत्ते खा करके रहे, अपने पति को गीले वस्त्र से शरीर पोछ देती है, वायु पान करके रहती है महाराज, थोड़ा बहुत कंदमूल फल मिल जाता है, जीवन यापन हो जाता है। ऐसी ऐसी देवहूति महारानी, देवम आज होती इत देवहूति, तप के प्रभाव से जिस देवहूति ने भगवान को अपने गर्भ में धारण कर लिया, ऐसी मां देवहूति ने तप किया, सूख करके बिल्कुल दुबली पतली कांटे जैसी हो गई। 40 वर्ष के बाद महात्मा की समाधि खुली, महात्मा ने कहा, अरे देवी तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? देवहूति महारानी ने कहा, महाराज
स्मरण करो, आज से 40 वर्ष पहले महाराज मनु आए थे, मैं उनकी बीज की बेटी हूं, मेरा नाम देवहूति है और मेरा विवाह आपके साथ हुआ है। ओहो, महात्मा ने कहा बात तो कुछ याद आ रही है। आज देवहूति महारानी ने अपने शरीर को देखा, जर्जर शरीर हो गया, राजा की बिटिया है। आज कर्दम ऋषि ने जैसे देखा कि इतना त्याग मेरी धर्मपत्नी ने किया। आज देवहूति से कहा, देवी जाओ इस सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे देवहूति महारानी ने स्नान किया, तब के प्रभाव से ऐसी देदीप्यमान चेहरा हो गया, कांति युक्त शरीर बन गया, जैसे साक्षात रति महारानी प्रकट हो गई। तब का ये प्रभाव है, देखो किसी के पास कुछ नहीं होता, भजन साधना आप लोगों की अपनी है। अब अपने शरीर को देखती हैं, सुंदर शरीर और दुर्बल शरीर, निर्मल शरीर दुर्बल, ऋषि के शरीर को देखती हूं, कर्दम ऋषि को तो मैचिंग नहीं है, मिलान नहीं है। कह तो सकती नहीं, बस इशारा किया कि प्रभु ये शरीर और आपका। कर्दम ऋषि समझ गए, वो भी जाकर के सरोवर में स्नान किए, ऐसा ऐसा दिव्य शरीर का निर्माण हुआ जैसे साक्षात कामदेव प्रकट हो। कामक नाम के विमान को मंत्रों के द्वारा रचना करी और उस विमान पर देवहूति महारानी और कर्दम ऋषि दोनों आरूढ़ यानी विराजमान हुए। आकाश मार्ग में वो विमान उड़ने लगा। संसार जगत के ऐसे कोई संसाधन नहीं थे जो उस विमान पर ना रहे हो। तप के प्रभाव से रमण करते हुए देवहूति महारानी और कर्दम ऋषि के मध्य में 9 बेटियों ने जन्म लिया। वही 9 कन्याएं नवधा भक्ति के रूप से प्रकट हुई। सती अनुसुईया का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ऐसी दिव्य सती जिनका नाम सती अनुसुईया, वो देवहूति महारानी की ही बेटी। बोलो राधे राधे। मरीची यानी कला नाम की बेटी, अनुसुईया नाम की बेटी, श्रद्धा नाम की बेटी, हवि नाम की बेटी, ख्याति शांति अरुंधति और क्रिया नाम की बेटी ने जन्म लिया। कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया। अनुसुईया महारानी का विवाह, अनुसुईया नाम की बिटिया का विवाह जो है अत्रि ऋषि के साथ किया और महाराज श्रद्धा नाम की पुत्री का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ किया। हवि नाम की बिटिया का विवाह पुलस्त ऋषि के यहां किया, रावण के वंश। ऐसे विशाल योगी। ख्याति नाम का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, जिन भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर चरण मार दिया था, पैर मार दिया। ऐसे दिव्य महात्मा दामाद बन करके आए। शांति नाम की बिटिया का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ किया और अरुंधति नाम की बिटिया का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ किया, जो राम जी के कुलगुरु कहलाए। क्रिया नाम की बिटिया का विवाह कृतु नाम के ऋषि के साथ किया। इस तरीके से तप की प्रतिमूर्ति बेटियों ने जन्म लिया। 9 बेटियां नवधा भक्ति के रूप से प्रकट हुई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण करना भगवान की भक्ति है, कीर्तन करना भगवान की भक्ति है, स्मरण करना प्रभु को मन से, ये भी ईश्वर की भक्ति है। पाद सेवनम चरणों को प्रणाम करना, महापुरुष के चरणों को धोना, भगवान के अनन्य भक्तों की चरणों की सेवा करना, ये भी भगवान की भक्ति है। अर्चनम अर्चन करना, वंदन करना प्रणाम करना। अर्चनम वंदनम दास्यो दास्य भाव रखना, सख्य आत्मनिवेदनम भगवान के प्रति सखा जैसा भाव रख लेना और आत्मसमर्पण कर देना, ये नवधा भक्ति के रूप बताए गए। भैया भगवान कहते तोहे मोहे नाते अनेक मानिए स्वभावे, जो भी तुझे मेरे से अच्छा रिश्ता लगे उस रिश्ते को मान लो। अरे भाई मीरा भाई ने भगवान को पति माना तो भगवान मिले ना। भगवान हर कदम पर हर क्षण पर जिस भाव से गोपियों ने कन्हैया को
बालक माँ यशोदा बालक मानती तो बाल रूप से प्रकट है, गोपियां अपना प्रीतम मानती थी तो प्रीतम रूप से महाराज से किया, ग्वाल बाल उनको सखा दोस्त मानते थे तो भगवान घोड़ा बन जाते थे, अब ग्वाल बाल पीठ पर बैठ जाते, तो भगवान कहते जैसे भी नाते रखो तो हे मोहे नाते अनेक मानिए स्वभावे। इस तरीके से महाराज नौ बेटियों ने जन्म लिया, नौ बेटियों का विवाह किया। एक दिन कर्दम ऋषि बोले अरे देवहूति अब तो मैं जंगल में जाकर के भजन करने का मन करता है। देवहूति ने कहा प्रभु घर में कोई ऐसा खिलौना नहीं जिसके सहारे मैं जी सकूं। और देखो भारतीय नारी की एक परंपरा रही है, नारी दो ही रूप से जीती है, या तो उसके साथ उसके पति का सहयोग हो, या पति पति किसी लायक ना हो तो कम से कम पुत्र तो लायक हो। कि जिय बिन देहो नदी बिनु बारी, जिय बिन देहो नदी बिनु बारी, तैसे हो नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे हो नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे जी बिन देह नदी बिन बारी तैसे हूँ नाथ पुरुष बिन नारी। भैया शरीर से प्राण निकल जाए शरीर की कोई शोभा नहीं, नदी में जल ना हो तो उस नदी के घाट में कोई नहीं जाएगा। और ऐसे ही यदि सिंदूर चला जाए तो महाराज जी बिन देह नदी बिन बारी तैसे हूँ नाथ पुरुष बिन नारी। नक्षत्र भूषणाम चंद्र हनारी राम भूषणम पति, जैसे नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा होता है ना, वैसे नारियों का आभूषण उनका पति होता है। आज देवहूति महारानी ने कहा महाराज आप कैसे छोड़ के जा सकते, या तो मेरी गोदी में कोई बालक हो तब आप तप करने जाए। आज भगवान की कृपा हुई, भगवान के परम भक्त देवहूति महारानी ने जैसे विचार रख के कर्दम ऋषि और देवहूति महारानी ने मन में संकल्प लिया, उसी समय पर भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कल के प्रसंग में मैंने भगवान के 24 अवतारों की कथा कही, उन्हीं 24 अवतारों में भगवान कपिल प्रकट हुए बाल रूप से। और कपिल का अर्थ होता कम सुखम आन सुखम पिवत इति सुचासो लति शास्त्रे गो ग्रहणात इति कपिलः, जो गौओं के प्रति समर्पण हो, जिनका इंद्रियों इंद्रियां बिल्कुल एकत्रित हो, ऐसे भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल आज मेरे मैया के सामने प्रकट हुए, पावन स्तुति करी देवहूति महारानी और कर्दम ऋषि ने। जब 5 वर्ष के कपिल भगवान हुए तो कर्दम ऋषि ने गृहस्थ का त्याग कर दिया और घर को छोड़ करके सीधा जंगल पधारे। और जैसे जंगल पधारे जंगल में भगवान का ऐसा चिंतन किया महाराज कि कपिल भगवान के जो पिता है जिनका नाम कर्दम ऋषि है, कर्दम ऋषि को परम गति। अब देखो पति छोड़ करके चले गए, बालक छोटा है 5 वर्ष का है, मन बहुत विदृढ़ हो रहा है, आंखों में आंसू आते हैं लेकिन रो नहीं सकती क्योंकि बेटा छोटा है। एकांत में रो लेती हैं, फिर कपिल भगवान के सामने घर के कार्य में लगती है। आज भगवान कपिल ने देखा कि मेरी माँ को कष्ट है, इसलिए भगवान कपिल ने कहा माँ मैं तुझे ज्ञान प्रदान करूंगा। निर्विण्याम नित राम भूमन इंद्रियो असित तर्षणा एनं संभाप्यमानेन न प्रपांधं तमः प्रभो। निर्विण्याम नितरान भूमन इंद्रिय असित तर्षणा, भैया आज भगवान कपिल ने कहा कि
माँ जो तेरी इंद्रियां भटक रहे हैं उन इंद्रियों को अपने में निहित कर लो, और माँ तू मुझे गौर से देख मैं कौन हूँ। जैसे माँ देवहूति ने देखा गौर से तो भगवान ने अपने रूप का दर्शन कराया। मत भयात बात बातोयम सूर्यस मति पति भयात, मेरे भय से पवन चलता है, मेरे भय से सूर्य प्रकट हो जाता है। सूर्यस पति मत भयात, और वर्ष इंद्रो दहत अग्नि मृत्यु चरति मत भयात, मेरे भय से मृत्यु स्पर्श करती है। आज भगवान कपिल ने मां को दिव्य ज्ञान दिया, और जैसे ज्ञान प्रदत्त किया, सुनते सुनते कथा को सुनते सुनते देवहूति महारानी का शरीर पानी के रूप में जल के रूप में परिणित हुआ, सिद्धदा नाम की नदी बन गई। उस नदी को आचमन किया और भगवान कपिल वहां से कहां हरियाणा में कलायत पर जहां पर ज्ञान दे रहे थे वहां से आचमन करके सीधा गंगा सागर पधारे, और गंगा सागर में आज भी भगवान कपिल की कुटिया का दर्शन हम सब लोग 14 जनवरी जब सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तो भगवान कपिल की कुटिया का दर्शन होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। अहम सर्वेश भूतेषु भूतात्मा वस्तिता सदा। इस प्रकार से भगवान कपिल ब्रह्मचारी रहे इसलिए इनका वंश आगे विस्तार नहीं हुआ। परीक्षित इस दृष्टिकोण से मैंने देवहूति महारानी के वंश का विस्तार किया। बोलो वृंदावन बिहारी। भैया आप सब लोगों के परम स्नेही परम लाडले सबके मन में प्रेम बराबर बरसाने वाले, और मेरे से भी उनका बहुत प्रेम है, अमरप्रीत सिंह काले। कई बार फोन में बातचीत होती रहती महाराज जी कहाँ हो। पहले मैं नरवाना में सुषमा स्वराज जी के मौसा के यहाँ कथा कर रहा था तब भी इनका फोन गया, और प्रथम में जब सबसे पहली कथा हुई तो अमरप्रीत जी और अर्जुन मुंडा जी रघुवर दास जी आदि सब लोग इस मंच पर थे। तो हमारे मध्य में अमरप्रीत काले समाज सेवी जो 17 वर्षों से घर घर गरीब गरीबों के प्रति इनकी दयनीयता का भाव है, ऐसे उदार प्रवृत्ति है, गांव गांव में जाकर के अनाथ असहाय लोगों कम्बल आदि वितरित करते हैं, ऐसे हमारे अमरप्रीत सिंह काले भी भागवत जी को वंदन करने आए हैं। भागवत भगवान इनको स्वस्थ रखे और मानसिक रूप से उनको स्वस्थ रखे, और इनके साथ अभय सिंह जी समाज से भी आप सब लोगों के चिर परिचित हैं वो भी पधारे हुए हैं। बोलो वृंदावन आइए। श्री राम जय जय करी हरे भजन मिला सब जीवों का।
हरे हरे भजन सब गो दुखारी। संसार जगत में तीन प्रकार की तृष्णाएं सबके मन में है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे महात्मा। वो तीन प्रकार की तृष्णाएं हमारे मन में, आपके मन में, किसी के भी मन में, उन तीनों में से कोई ना कोई तृष्णा होगी। सुत, वित, लोक, ईर्ष्णा तीन है भैया। सबसे ईर्ष्णा बेटा अच्छा हो जाए, तरक्की करे, अच्छे पद पर पहुंच जाए, सबके मन में ऐसी भावना हो। जो गृहस्थ है सबके मन में है कि पुत्र हमारा लायक हो जाए। सुत्ते मान लो गोविंद ने कृपा करी, पुत्र लायक हो गए, तो फिर वित्ते सुना, फिर सबके मन में धन कमाने की इच्छा बहुत जगती कि धनवान हो जाए, सामाजिकता में बैठने योग्य हो जाए। और मान लो मेरे गोविंद ने धनवान भी बना दिया, तो सुतेष्णा, वित्तेष्णा, फिर लोकेष्णा, लोक में मेरी ख्याति फैले। ये तीन प्रकार की तृष्णाएं कहके मत न भई मलिनी, इसके मति में नहीं है। इसलिए आज मेरे गोविंद ने, आज सुखाचार ने परीक्षित से कहा, परीक्षित दुनिया में कोई सुखी नहीं। हाथ रख करके बताओ सुखी है। दीने कहे धन्यवाने सुखी, धन्यवाने कहे सुख राजा को भारी। गरीब कहता अमीर सुखी, अमीर कहते भैया वो झुग्गी झोपड़ी वाले बहुत सुखी, कम से कम नींद तो आ जाती। अमीर कहता महाराज एक फुलका खाते हैं उबली दाल, मूंग की दाल के पानी से एक फुलका खाते, दूसरा फुलका नहीं खाते। क्यों? डॉक्टर साहब ने चिट्ठी बना करके दे दिया है कि ज्यादा खाओगे तो अटैक पड़ जाएगा। अरे भैया जो जहां है वहां पर संतुष्ट नहीं, आगे 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 सबको ऐसा प्रेम जग रहा है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी ने रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी है। धन बहुत है तो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, धन भी बहुत है, शरीर भी स्वस्थ है, तो बेटा आज्ञाकारी नहीं है, वो 24 घंटे तनाव दिए बैठे। तो संसार में ऐसा कोई नहीं जो सुखी हो। सुखी है तो वो जिसकी तृष्णाएं सीमित है, जिसकी इच्छाएं सीमित है, और भगवान के प्रति जिसकी निष्ठा है। आज भागवत धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े विस्तार से कहा। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने कहा था कि मनु महाराज के कि यहां पर तीन बेटियों ने जन्म लिया, आकूति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति महारानी के वंश का विस्तार आपने किया, अब दोनों बेटियों के वंश का विस्तार और करिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित आकूति महारानी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहां पर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण पधारे, और वही यज्ञ नारायण भगवान बद्रीनाथ में जाकर के तप करने के लिए बैठ गए। बोलो राधे राधे। भैया देखो जिसके व्यापार में कमी हो, सुन लो पहले, जिसका व्यापार न चलता हो, व्यापार में तरक्की ना होती हो, या किसी को धन देने के बाद धन वापस ना आता हो, ऐसे जीव को किसी योग्य आचार ब्राह्मण को सुनिश्चित करके, बद्री कहते हैं बेर को, बेर की लकड़ी को लावे, और मां भवानी लक्ष्मी का श्री सूक्त से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालो प्रसीदो प्रसीदो श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से पान में शहद रख करके आहुति दिलावे, मां भवानी प्रकट हो जाती है। आज देखो भगवान यज्ञ देव पधारे, और यज्ञ देव सीधा बद्रीनाथ पर पहुंचे। बद्रीनाथ में बर्फीली हवाएं हैं, बर्फ चारों तरफ पड़ रहा है। भैया
जिस बद्रीनाथ पर भगवान विराजमान है, लक्ष्मी जी खोजने लगी नारायण को, मेरे नारायण कहां गए। आंख बंद करके देखा कि भगवान बद्रीनाथ में तप करने के लिए बैठे, चारों तरफ से बर्फ है। आज लक्ष्मी जी ने बेर के पेड़ का रूप धारण किया और ऐसी छांव बना करके भगवान के ऊपर खड़ी हुई। तब से बेर की लकड़ी से हवन करने से मां लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। आज भगवान आकुति महारानी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, साक्षात भगवान यज्ञ देव पधारे। महाराज, हमारे वेदों में अनुष्ठानों की जो पद्धतियां हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े उद्योगपति अपने अपने निकट योग्य आचार्यों का निर्माण करते हैं। अरस्तु और सिकंदर के मध्य में एक बार चर्चा हुई, बाढ़ आ गई। सिकंदर बोला, गुरुदेव मैं इस नदी में बह जाऊंगा तो मुझे कोई परवाह। गुरु अरस्तु ने कहा, नहीं सिकंदर, सम्राट का रहना आवश्यक है, यदि गुरु का शरीर छूट भी जाए तो ऐसे गुरु तो बहुत प्रकट हो जाएगा। सिकंदर ने कहा, नहीं गुरु जी, यदि ये सिकंदर, एक सिकंदर मर गया तो आप हजारों सिकंदर का निर्माण कर लोगे, लेकिन यदि एक गुरुदेव अरस्तु गुरु यदि मर गए तो फिर सिकंदर में सामर्थ्य नहीं कि ऐसा सदगुरु, योग्य सदगुरु तैयार कर ले। इसलिए गुरुओं के प्रति निष्ठा, शास्त्रों में अपराजिता करके एक स्तोत्र आता है, जो लोग राजनीतिक पदों पर बैठना चाहते हैं, राजनीतिक पदों पर रहना चाहते हैं, बराबर का मान सम्मान पाना चाहते हैं, मां भवानी अपराजिता का स्तोत्र पाठ करिए, देखिए क्या प्रभाव है। मुझे याद है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे थे, तब उन्होंने दिल्ली में ये अनुष्ठान कराया और पूरे देश का सर्वोच्च पद बीजेपी का उस समय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको वो पद मिला तत्क्षण प्रभाव। मैं ये कहता हूं कि अनुष्ठानों में नरसिंह कवच है, अपराजिता स्तोत्र है, लक्ष्मी का स्तोत्र है, इनका यदि हम लोग पालन करें अनुष्ठानी विधि में तो हमारा उद्धार होगा। सज्जनों, आकुति महारानी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ। महाराज दक्ष ने आज 13 कन्याओं को जन्म दिया। प्रसूति महारानी के साथ जब विवाह हुआ तो महाराज दक्ष के यहां पर 13 कन्याओं ने जन्म लिया। प्रसूति महारानी के गर्भ से 13 बेटियां जन्म ली, 10 बेटियां धर्म को व्याही गईं, एक बेटी अग्नि भगवान को व्याही गई, तो 11 हो गई। 12वीं बेटी पितरदेव को व्याही गई और 13वीं बेटी जो सबसे छोटी, जिनका नाम सती महारानी है, सती महारानी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हो रहा है। आज दक्ष को प्रजापति नाम की उपाधि मिलनी थी और भैया समाज के यश को पचा पाना बड़ा कठिन है। आज ब्रह्मा जी ने निश्चित किया, दक्ष तुमको प्रजापति नाम की उपाधि मिलनी, देवताओं के ऊपर का पद है प्रजापति। आज प्रजापति पद को पाने के लिए सभागार हुई, उसमें समस्त ऋषि महात्मा देवता उपस्थित हुए। केवल उस सभा में भगवान नारायण नहीं आए, और शंकर जी को तो इसलिए आना था क्योंकि सबसे छोटी बिटिया के पति है, यानी छोटे दामाद है, इसलिए भगवान भोले बाबा भी उस सभा पर पधारे। दक्ष को आने में थोड़ा सा समय लगा। भगवान बोले, बाबा यानि साम सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। बोले बाबा, समाधि में डूब करके इष्ट देव बालक मम राम, इष्ट देव अपने बाल रूप के राम लला का दर्शन करने लगे। तभी महाराज दक्ष का आना हुआ सभा पर, समस्त ऋषि महात्मा देवता खड़े होकर के अभिवादन किया, आओ आओ महाराज दक्ष। केवल उस सभा पर ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए क्योंकि वो पिता लगते हैं, और दामाद जो छोटे हैं इनको तो पता ही नहीं चला, भोले बाबा को पता ही नहीं चला कि कब हमारे ससुर साहब आ गए, कब महाराज दक्ष का पदार्पण हुआ। अभिमानी के अभिमान को देखो, हजारों लोगों ने वंदन किया, उधर दृष्टि नहीं गई, केवल भोले बाबा समाधि में बैठे रह गए तो उधर दृष्टि चली गई। जैसे भोले बाबा की तरफ दृष्टि गई तो महाराज आज से
ओठ फड़फड़ाने लगे क्रोध के कारण, आग बबूला हो गया। ब्रह्मा जी की तरफ तिरछी चित बनवारी, बोले बोले आग लगे पिता ब्रह्मा पर, जिनके कहने से मैंने अपनी बिटिया का विवाह मरकट लोचना इस बंदर के मुख वाले शिव के साथ कर दिया। ओहो हो, मृग लोचनी कन्या मरकट लोचना, देखो मृग लोचनी कन्या सती का विवाह मैंने बंदर के मुख वाले शंकर के साथ कर दिया। भोले बाबा को नहीं पता कि किसको कौन कहे, समाधि में डूबे। भैया जब जवाब ना दिया जाए तो क्रोधी का क्रोध और बढ़ता। उसने कहा अच्छा दीनम दृक्षम भवमे भवक्षितम, अरे इसको कहां से अकल आवे भूत प्रेत के बीच में बैठने वाला, भूत प्रेता वासिस घोरेसु, भूत प्रेत के मध्य में बैठने वाला शंकर, इसको सामाजिकता का कोई बोध नहीं। और महाराज अंत में इतना कहते कहते प्रेता वासिस घोरेसु प्रेतिर भूत गणैर मृता, देखो भूत प्रेत के गणों के मध्य में रहने वाला शंकर, इसको सामाजिकता का बोध नहीं, मैं श्राप देता हूं। महाराज क्रोध बढ़ता गया और श्राप दे दिया कि सहभागम मलहते देवर देव गणैर धमः, मैं आज से इस शंकर को श्राप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में किसी भी अनुष्ठान में शिव का भाग नहीं रहेगा। इतना बड़ा अपराध कर दिया और इतनी भरी सभा में अपमान कर दिया भोले बाबा का, लेकिन धन्य है शिव धन्य है शंकर। शंकर का अर्थ है समम कल्याणम करोति यस्य सः शंकरः, जो प्राणी मात्र में सम भाव रखे, जिनको देवता भी पूजते हैं अद्वैत भी पूजते हैं, देवादि देव महादेव भगवान शिव को समझ में आया ही नहीं कि किसको कह रहे हैं, अभी भी आंख बंद किए बैठे। अरे महाराज तभी सबके देखते देखते जैसे श्राप दिया तो नंदी बाबा से नहीं रहा गया, नंदी बाबा ए मूर्ख दक्ष तू बहुत बड़बड़ा रहा, भगवान शिव की महिमा को तू समझ नहीं सका, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुख बकरे का हो जाए। जैसे श्राप नंदी बाबा ने दिया तो भृगु ऋषि हाथ पर दाढ़ी पे हाथ लगाए हुए सिंहासन पर बैठे बैठे बोल रहे एक नंदी ससुर दामाद के झगड़े में तुम काहे कूचक पड़े, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं आज से शिव भक्त सब पाखंडी हो जाएंगे। ओहो भैया तभी से ये छनंतम छानंतम छनत छानंतम छन गई पिबंतम पीवंतम पिबद पिबवंतम पिब गई घुटंतम घोटंतम घुटत घुटवंतम घुट गई चढ़ंतम चाढ़ंतम चढ़त चढ़वंतम चढ़ गई। तभी से ये शंकर जी की बूटी का बहुत लोग प्रयोग करने लगे, बोलो राधे राधे। एक बार हमारे वृंदावन की महिमा है कि एक पंडा जी ने भांग खा लिया, बोलो राधे राधे। जब भांग खा लिया तो भांग तो मीठा मांगती है भैया, हाँ जब भांग ज्यादा खा ली तो उनको मीठे की इच्छा जगी, तो भैया यजमान आए थे बोले अरे सेठ एक किलो रबड़ी खिलाई दे। भैया आज भी मथुरा में दो दो किलो रबड़ी खाने वाले लोग हैं। भैया रबड़ी पी गए, अब तो भांग चढ़ गई, चढ़ गई तो जैसे भांग चढ़ी तो महाराज घर से निकले, पत्नी से बोले जमुना स्नान करके आता हूं। पत्नी बोले ठीक है जाओ जमुना स्नान करके आओ। और जैसे जमुना स्नान करने के लिए गए तो नाव पर बैठ गए और जिससे जिससे रस्सी बंधी हुई होती खूंटे से रस्सी को खोला नहीं, रात भर चप्पू चलाते रहे पूरी रात। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, गाते जा रहे पूरी रात चप्पू चलाया। भोर हुआ पता चला कि शायद दूसरा घाट आ गया। पत्नी सुबह घड़े में जल भरने के लिए आई और आज हमारे पंडा जी ने सोचा कि मैं बहुत दूर आ गया हूं, पूरी रात नाव को चलाया, तो अपनी पत्नी से बोले बहन जी आपको मैंने कहीं देखा, बहन जी मैंने आपको कहीं देखा। पत्नी ने मटका फोड़ करके बोले सुनो बहन जी बोलते हो, तो बोले हम हैं कहां, बोले जहां से शुरू हुई थी यात्रा वहीं है। तो भैया जीवन की यात्रा में जब तक ज्ञान रूपी अज्ञानता की ग्रंथियों को खोलेंगे नहीं तब तक हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी नहीं। आज
भगवान शिव को श्राप मिल गया, जाओ शिव भक्त सब पाखंडी हो जाए। नंदी बाबा ने कहा, अरे ब्राह्मणों तुमने मुझे श्राप दिया, मेरे भोले बाबा को श्राप दिया, जाओ मैं भी श्राप देता हूं कि आज से ब्राह्मण पाखंडी रहेंगे। जो योग्य होंगे, जिनमें सरस्वती निवास करती होगी, उनका तो जगबंधन करेगा, नहीं आज सबसे ज्यादा दुर्दशा है तो ब्राह्मण समाज की। क्यों? मैं पक्षपात नहीं लेता, आज अपने अपने कर्मों से भटकने के कारण ये स्थिति पैदा होगी। त्रिकाल संध्या का विधान था ब्राह्मणों के जीवन में, तप बल के प्रभाव से राजा महाराजा चरणों में झुक जाते थे, आज तप नहीं, आज स्वयं हाथ जोड़ते हैं। अरे भैया, तप के प्रभाव से जब जीवन जिया जाता है तो उसका आनंद अलग होता है। सज्जनों, जैसे श्राप सुना तो आज आज भोले बाबा की समाधि खुली, आंख खुली, और नंदी बाबा के पीठ पर बैठ करके भोले बाबा सीधा कैलाश पर्वत पधारे। सती महारानी ने कहा, आओ आओ प्राणनाथ, आज मेरे पिता को इतनी बड़ी उपाधि मिलनी थी, इसलिए आप सबसे छोटे दामाद हैं, आपका सम्मान ज्यादा हुआ होगा। धन्य है भोले, धन्य है शिव, धन्य है शंकर, भारी सभा में 33 करोड़ देवी देवताओं के मध्य में जिस दामाद का अपमान ससुर ने कर दिया हो, महाराज आजकल के व्यक्ति होते तो हाथ पकड़ करके पत्नी को पहले ही सीधा मायके भेजते, चले यहां से तेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन धन्य है भोले बाबा, सती महारानी ने पूछा, प्राणनाथ मेरे पिता के यहां पर इतना विशाल कार्यक्रम हुआ, आपका सम्मान जरूर हुआ हो। भोले बाबा मुस्कुरा दिए, बोले देवी सम्मान तो हमेशा होता रहता है, एक भी बार अपमान को नहीं कहा। आज देखिए, जब दुष्ट के हृदय में ऐसी बात बनी तो भोले बाबा को कैसे सभा में परास्त करूं। आज दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करने का संकल्प लिया, और यज्ञ ऐसा करने का संकल्प लिया कि उसमें भगवान शिव को नीचा दिखाना है। समस्त देवताओं को आवाहन किया, निमंत्रण दिया, लेकिन छोटी बिटिया सती महारानी के यहां पर कोई आमंत्रण नहीं दिया। बृहस्पतिम सवम नामम समारे भेकृतोत्तमम। बृहस्पति सव नाम का यज्ञ का आयोजन रखा गया, और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाया गया, केवल भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब देखो ऐसा होता है, समाज में भी ऐसा होता है, छोटे भाई से बड़े भाई की नहीं बनती तो पड़ोसी आता है। क्यों भाई? आजकल हमने सुना है कुछ बनती नहीं है, बड़ा भाई कहेगा नहीं नहीं हमारी सब बढ़िया बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो जो मधुमंगल मिला था ना, उसने कहा था कि झगड़ा हो गया था एक साथी में। अरे भाई ऐसे लोग हैं, ना विवाद होवे ना झगड़ा होवे, ऐसे कोच कोच करके, खोद खोद करके ऐसी बात पूछते हैं कि जहां पर घाव छुपा है वहीं पर चोट मारते हैं। भोले बाबा बोलना चाहते थे, लेकिन आज प्रजापति ने निमंत्रण सबको दिया, और हरिद्वार में कनखल नाम की जगह है जहां पर गंगा का पावन तट है, कनखल की पावन भूमि पर बृहस्पति सव नाम का यज्ञ का आयोजन रखा गया। देवता लोग विमान पर चढ़ चढ़ करके आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, ये देवता बड़े चतुर थे कि नहीं? अरे भाई यदि चलो हमें मथुरा से आना था तो हमें पता है कि मथुरा से एक ट्रेन टाटा नगर के लिए आती, उत्कल एक्सप्रेस, और ट्रेन का नाम लौह पथ गामनी है। या फिर आपको यहां से जाना है तो चलो ये पता है कि इस ट्रेन से जाएंगे या दिल्ली होकर के चले जाएंगे, तो रेल मार्ग से आना होता देवताओं को तो सुनिश्चित था। चलो भैया भाई रोड आना था, अपनी पर्सनल कार गाड़ी होती तो ये भी पता है कि इस हाईवे को पकड़ेंगे बनारस होते हुए सीधा निकल जाएंगे। लेकिन जिनके पास खुद के अपने अपने विमान है, वो विमानों को, विमान पर सवार होकर के देवताओं को क्या जरूरत थी कि हिमालय पर्वत से होकर के जाने, कैलाश पर्वत से। वैसे भी जितने विमान है ना, पर्वतीय क्षेत्रों पर ज्यादातर वर्जित किए जाते हैं। और मैंने तो ये भी अनुभव किया कि जब हवाई जहाज उड़ता है और ऊपर 1500 फुट ऊपर जाकर के स्थिर होता है, और जब आकाश मंडल का दर्शन किया जाता है तो लगता उतना ही आसमान अभी ऊपर है, अंत नहीं।
तो इन देवताओं ने विमान पर बैठ करके विमाना इव सानुगा, कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान पर सवार होकर के देव कन्याएं और देवता खिलखिलाती हुई हंसती हुई निकल जा रहे हैं। मां सती बार बार देखती विमान आज बहुत जा रहे हैं, बोले बाबा समाधि में बैठे हैं। आज सती महारानी ने पूछ लिया, अरे बहना सज धज करके विमान पर बैठ करके तुम सब लोग कहां जा रही हो? उनमें से देव कन्याओं ने कहा, अरे सती, अरे बहन, कोई पतो ना है, तेरे पिता के यहां पर बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ है, देख ये इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण कार्ड, हमें निमंत्रण मिला क्या, तुझे नहीं आया? सती महारानी ने कहा, अरे बहना तुम्हें तो पता है कि भोले बाबा कितने भाव समाधि में डूबे रहते, आमंत्रण जरूर आया होगा, अभी भोले बाबा से मिलकर के हम दोनों लोग आते, आप चलो ना, हम मिलती हैं वहीं पर। देव कन्याएं सब पधारी, अब धीरे धीरे करके आज सती महारानी भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, चरणों को प्रणाम किया। और इन माताओं में विशेषता यही है, बोलो राधे राधे, जब कोई विशेष काम बनाना होगा तो गरम गरम फुलका और हाथ से पंखा झलने का काम शुरू। अब तो खैर ऐसी आदि हो गई, नहीं तो पहले चौके में लीप लगा करके गरम गरम रोटी और हाथ से पंखा झलना, और धीरे धीरे करके जैसा एक रोटी गई तो धीरे से बात कह। सुनो बोलो भाई, तुम्हारी साली की यहाँ आपकी साली का विवाह है, चलना है कि नहीं चलना है? अरे भाई चलना है, तो मेरी इच्छा ये थी कि सोने के कुछ आभूषण बना करके दे दिए जाते, अब मना कैसे करे क्योंकि गर्म रोटी खिलाई है। कहना पड़ेगा भाई राधे, आज सती महारानी ने भी वही किया। सती मने चतुर, दक्ष मने चतुर होता तो चतुर की बेटी चतुर ही तो होंगी। आज सती महारानी ने बोले बाबा के चरणों में वंदन किया, वंदन करके बोले, हे प्राणनाथ, प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयम् च चत्राभिसराम वामते प्रत्यर्थितामि बुबुधा व्रजन्ति। प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतम, सती महारानी ये कह सकती थी कि मेरे पिता के यहां पर यज्ञ हो रहा, नहीं, क्योंकि दक्ष की बेटी है। चरणों में प्रणाम करके बोले, भोलेनाथ आपको कुछ पता है? भोले बाबा को सब कुछ पता है, लेकिन भोले बाबा झूठ बोल गए। बोले देवी मुझे कुछ नहीं पता, बताओ क्या बात है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतम, जो प्रजापति है ना, जो आपके ससुर है। बोले हाँ हाँ बोलो देवी। ये भी कह सकते थे कि मेरे पिता नहीं, ससुरस्य, आपके जो ससुर साहब है। कनखल में बृहस्पति सब नाओं का यज्ञ कर रहे हैं और उसमें समस्त देव कन्याओं का देवताओं का निमंत्रण है, आओ हम सब लोग भी पधारे। आज भोले बाबा ने कहा, देवी मुझे सब पता है, लेकिन तेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझसे बैर करते हैं, देश भाव रखते। यदि मेरे जाने से तेरा काम बनता है तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन सती मैं इतना जानता हूं, यदि मैं गया तो तेरे पिता के मुखमंडल में झगड़े की भावना जग जाएगी, ईर्ष्या की भावना जग जाएगी, द्वंद की भावना जग जाएगी, और कहीं ये यज्ञ अधूरा ना रह जाए। इसलिए ऐसा है सती, मेरा तो इतना ही कहना कि जिस मंच में, जिस स्थान पर, जिस जगह पर जाने के बाद हम छोटे लगे, उस मंच पर नहीं चढ़ना चाहिए। जिस स्थान पर हम छोटे नजर आए, बस दूर से मिल करके निकल लेना चाहिए। भाई जी मैं चलता हूं, फिर कभी मिलूंगा, ये बुद्धिमानों के लक्षण। आज भोले बाबा ने कहा, अरे देवी मैं यदि जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं छोटा नजर आऊंगा, इसलिए मैं उस सभा पर जाने योग्य नहीं हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि अनाहुत अप्यभिहंत सौहृदम, बिना बुलाए तो अपने भाई के यहां, अपने पिता के यहां भी नहीं जाना चाहिए। सती महारानी थोड़ी देर तक सोचती रही, निष्क्रामती निर्वसती दुधासहा, दुविधा में पड़ गई, निष्क्रिय हो गई और विचार करने लगी कि यज्ञ में तो जाना जरूरी है।
90 साल की माँ हो और पता चले कि तुम्हारे पीहर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो वो बुढ़िया 16 साल की हो जाती है। मैं तो जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तेरे मामा ने बुलाया है ना। महाराज पैरों में से चला नहीं जाता, लेकिन इतना मन तरुण हो जाता, पीहर के प्रति इतना प्रेम रहता है। आज सती महारानी बोले आप जाओ या ना जाओ प्रभु, लेकिन सती ने तर्क दिया, क्या बोले, बिना बुलाए भी चार जगह जाना चाहिए। कहां कहां? बोले प्राणनाथ बिना बुलाए चार जगह जाना चाहिए। कहां पर? बोले जहां पर कथा होती हो, भगवान की जहां चर्चा होती हो। भैया कार्ड मिले या ना मिले, बिना बुलाए जाना चाहिए। अपने गुरु स्थान पर गुरुदेव का आमंत्रण मिले या ना मिले, भैया जानकारी मिल जाए, गुरु दर्शन के लिए जाना चाहिए। और देव स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए, और अपने पिता के यहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान ने कहा तीनों जगह तो ठीक है, बोले बाबा ने कहा, लेकिन संसारी संसार धर्म को निभाता है, इसलिए अरे अरे सती महारानी यदि प्रेम हो तो, प्रेम हो तो जाना चाहिए। प्राणनाथ यदि आप आज्ञा दो तो मैं ही चली जाऊं। आज नंदी से कहा, ए नंदी, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित भावागम, नारायण प्रियमनंग मदापुहारम, वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ। ऐसे विश्वनाथ ने आज सती महारानी से कहा, जाओ। नंदी को बुलाया, नंदी अपनी मां को लेकर के यज्ञमंडल में, यज्ञ मंडप पर लेकर के जाओ। आज नंदी पीठ पर सवार करके मां भवानी जगदम्बा पराम्बा सती महारानी को लेकर के सीधा कनखल पधारे हरिद्वार। भैया देखो, जिस बेटी के मन में माँ बाप से मिलने की बहुत उत्कंठा हो और वो पिता मिले और देखते ही गर्दन घुमा के चला जाए, महाराज ऐसा लगता धरती फट क्यों नहीं गई और मैं समा क्यों ना जाऊं। आज सती महारानी जैसे पधारी, बहने मिलती, अरे सती, अरे बहन, मैंने तो सुना तेरा कोई आमंत्रण ही नहीं, निमंत्रण ही नहीं, पिताजी ने तुम्हें कोई निमंत्रण दिया ही नहीं, बिना बुलाए बिना आमंत्रण किया गई। अब सती महारानी को एक एक शब्द हृदय घात लगते हैं, बाण जैसे लगते। भोले बाबा ने कहा था, सती जाओगी तो जरूर, लेकिन सम्मान नहीं होगा। गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने तो लिख ही दिया, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चहे कंचन बरसत में। भैया सोने की बारिश हो रही हो, जहां पर जाने से चेहरे में चेहरा मुरझा जाए, ऐसी जगह पर जाने से क्या प्रेम है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आंखों में प्रेम ना झलके, समझ लो उस जगह में ना जाओ। तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। आज बाबा तुलसी ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, सज्जनों सती महारानी बहनों से मिली, उसके बाद पिता नजर आए। जैसे पिता को देखा तो सती महारानी दौड़ पड़ी, पिताजी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। जैसे चरणों की तरफ हाथ किया, दक्ष ने पैर पीछे करके गर्दन घुमा करके सीधा निकल गए। अब भोले बाबा की वो बात याद आती, सती तेरे पिता मुझसे बैर करते। सती महारानी सोचने लगी कि आखिर झगड़ा तो ससुर दामाद का था, उसमें तो मैं थी ही नहीं। आखिर मान लेते हैं कि चलो दामाद से झगड़ा है तो दामाद से क्रोध निकालते, मैं तो अनाहुतम बिना बुलाए आई हूं, उसके बाद भी नहीं मुझसे बात करते। आज सती महारानी जैसे आगे बढ़ी तो केवल यदि उस भवन पर उस स्थान पर कष्ट है तो मां को कष्ट है। मां रो भी लेती है और आंसू से आंचल से आंसू पोंछ करके भी मुस्कुरा देती है। क्यों? क्योंकि दक्ष का स्वभाव से परिचित है।
आज जैसे सती महारानी को दूर से आते देखा, माँ दौड़ पड़ी और सती महारानी माँ कहती हुई दौड़ पड़ी आज अपने हृदय से, आज माँ ने अपने हृदय से लगाया। सादर भला ही मिले को माँ, सादर भला भगनी यानी बहने मुस्कुरा करके मिलती माँ हृदय से लगा लिया। सती महारानी ने कहा माँ तूने भी तो मुझे जन्म दिया ना, तूने ही तो मुझे जन्म दिया, तेरा तेरा बहने बारह बारह बहने हैं, तेरा ही मैं सबसे छोटी कन्या हूँ, सबसे तेरी लाडली हूँ, तूने सबको निमंत्रण दिया माँ, तू जिनने मुझे नहीं बुलाया, आज आज माँ ने आंखों में आंसू रख करके कहा बिटिया तुझे तो पता है तेरे पिता कितने क्रोधी हैं, बेटा चल कोई बात नहीं, तू ही महान है, तूने सबको क्षमा कर दिया, आ बेटा तेरे बिना ही यज्ञ अधूरा था, चाहे 33 करोड़ देवी देवता क्यों ना ही आए। आज माँ के आंचल से लिपट करके सती महारानी रोई। उसके बाद बोले माँ मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करके आती हूँ। जैसे यज्ञ मंडप का दर्शन करने के लिए विशाल यज्ञ समूह का निर्माण हुआ था, 33 करोड़ देवी देवताओं के अलग अलग सिंहासन लगे, केवल उस सिंहासन पर उस मंडप पर भगवान नारायण नहीं पधारे थे, सबके अलग अलग आसन देखते ही सती महारानी प्रसन्न तो हुई, लेकिन जब दृष्टि गई कि मेरे प्राण प्रीतम विश्वनाथ भूतनाथ भगवान शिव का कहीं कोई स्थान नहीं। आज भारत की नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन भारतीयता के नाते जब भरी सभा में पति का अपमान होता है ना, तो भारत की नारी नहीं बर्दाश्त कर पाती। बिना सजना के कैसे ये साज सजना, नहीं सजना तो सब कुछ बेकार सजना, जब नहीं थे सजन कैसी सजती सजन, आज आए सजन तो सजूंगी सजन। आज आज अपने सजन के स्थान को देखा, स्थान खंडित नजर आया, ओठ फड़फड़ाने लगे, माँ जगदम्बा शांत की प्रतिमूर्ति है, कभी जीवन में माँ को क्रोध नहीं आया, लेकिन आज भगवान विश्वनाथ के स्थान को ना देख करके आज माँ जगदम्बा क्रोधित हुई और वहीं पर धरती से अंगूठे को खोदने लगे, घर्षण करने लगे। जैसे घर्षण करने लगी, महाराज देवता देख रहे हैं कि सती महारानी अकेले क्या कर रही है, उसी समय पर अरुत्र भागम तम्बेक्षिशाध्वरम पित्राच देवी कृत हेलनम विहु अनाहुता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चिकोपलोका निवध्यक्षति रुषा। अनाहुतम बिना बुलाई आई है ना, इसलिए मन थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, लेकिन हिम्मत करके जैसे पिता की तरफ दृष्टि गई बोले हे मूर्ख दक्ष, आज बेटी अपने पिता से लड़ पड़ी, हे मूर्ख त्रिभुवन के देवता जिस महादेव को वंदन करते हैं, देवता नहीं अब तो दैत्य भी जिस भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं, जिनका कोई शत्रु है ही नहीं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व डाकिनी साकिनी देव राक्षस सब मित्र हैं, जिनका कोई सृष्टि में कोई शत्रु ही नहीं है, ऐसे शिव स्वरूप मेरे पति का तूने अपमान किया,
आज सती महारानी ने जैसे क्रोध किया तो दक्ष चकित रह गया और बोले जब मैं यहां से वापस जाऊंगी ना, और जब भोले बाबा कहेंगे आओ आओ दक्षायणी कैसे यज्ञ रहा, तो मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ना नहीं चाहती, मेरे नाम से तुम्हारा गोत्र जुड़े ये मुझे अब पसंद नहीं। इसलिए गोत्र त्वदीयं भगवान वृषभध्वजो दक्षायणी त्याह यदा सुतुर बना। जब वो भगवान वृषभध्वज भगवान शिव गोत्र त्वदीयं भगवान वृषभध्वजो, जब भगवान शिव कहेंगे आओ आओ दक्षायणी दक्षायणी त्याह यदा सुतुर बना, आओ आओ दक्षायणी स्वागत है, उस समय मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए सबके देखते देखते आज सती महारानी ने धरती का घर्षण किया, अघर्षण करते करते हे माँ हे अग्निदेव तुम प्रकट क्यों नहीं हो जाते। आज दक्षिण की तरफ मुख करके माँ सती ने भोले बाबा का दर्शन करते हुए ददर्श देहो हतकलम सासती सत्ता प्रज्वाल समाधि अग्निना, आज अग्नि का मंथन किया और भाव समाधि में माँ अग्निदेव प्रकट हो गए और जगत जननी माँ जगदम्बा सती महारानी उस अग्नि में समाई। आज अपने शरीर को त्याग दिया सती महारानी। महाराज यज्ञ में किसी बेटी का आना हो और शरीर छूट जाए वो यज्ञ अधूरा रह गया। देवताओं को भय व्याप्त है कि जब ये संदेश भोले बाबा के कान में जाएगा कि आज सती महारानी का शरीर त्याग हुआ, त्याग दिया गया, सती महारानी ने त्याग दिया। देवता घबराए, यज्ञ चल रहा है, सूचना किसी ने नहीं दी, बोलो राधे कहीं कामना बिगड़ जाए इसलिए सब सूचना बाद में देंगे। बहुत बड़े पत्रकार देवताओं के मध्य में बैठे हैं नारद बाबा, बोलो राधे आज नारद बाबा ने ऐसी सूचना दी नहीं, ऐसी ऐसी पत्रकारिता करी, बोले भोले बाबा प्रणाम, जैसे भोले बाबा को प्रणाम किया। भवो भवान्यानिधिनम प्रजापते रसदकृतायाम अवगम्य नारदा, आज अवगम्य नारदा, तो नारद जी ने सूचना प्रदान करी, जैसे भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, भोले बाबा ने कहा आओ नारद कैसे हो, ठीक तो है सब। नारद जी उदास मन से बोले, भोले बाबा आप भी हमारे जैसे हो गए। भोले बाबा नहीं समझ पाए, बोले नारद क्या कहना चाहते, अरे बोले हमारा विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा विवाह होकर के भी तुम वैसे ही रह गए, बोलो राधे राधे। अवगम्य नारदा, नारद बाबा ने कहा, और नारद बाबा ने कहा कि महाराज सती महारानी तो नहीं यज्ञ कुंड में कूदना चाहती थी, लेकिन हाथ पकड़ करके दक्ष प्रजापति ने धक्का, हाथ पकड़ करके यज्ञ कुंड में डाला। हेडिंग भी तो बहुत बड़ी बनाई जाती है, कथाकार चित्रकार नीतिकार न्यायकार, ये जितने कार वाले लोग हैं यदि इनका आकार सुधर जाए तो भारत में राम राज्य की स्थापना हो। इनमें यदि अपने जीवन में कर्मठता कार्यशैली में परिवर्तन आ जाए तो हमारा देश पुनः राम राज की तरफ अग्रसर हो जाएगा। आज नारद जी ने जैसे सूचना दी, भोले बाबा को थोड़ा क्रोध आया, इसलिए नहीं क्रोध आया कि सती का शरीर छूट गया ना, इसका इतिहास राम कथा में मैंने इसी मंच पर राम कथा जब कही तो मैंने इस प्रसंग को विस्तार से कहा था। आज सती भी शरीर छोड़ना चाहती थी, ये इतिहास रामचरितमानस का है, लेकिन सती ने जैसे शरीर छोड़ा नारद जी ने सूचना दी। आज नारद बाबा कि कहने के अनुसार भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोला और जैसे जटाओं को खोला और जटाओं को खोलने के बाद में दक्षम सा यज्ञम जहि पट भटाना, जैसे जटा को फेंक दिया तो महाराज उसमें से ऐसी क्रंदन हुआ और उसमें से एक भद्र यानी पुरुष वीर भद्र प्रकट हो गया जो वीर था। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बोले सरकार आज्ञा दो काहे को प्रकट किया, बोले जाओ हरिद्वार में जो यज्ञ हो रहा उस यज्ञ को नष्ट कर दो, आज मैं आदेश देता हूं। पूरे इतिहास जगत की बात कहता हूं, केवल भागवत की बात नहीं कहता, चार वेद छह शास्त्र छह श्रुतियां
छह शास्त्र 18 पुराण महाभारत जैसे ग्रंथ में दो ही बार यज्ञ नष्ट करने का आदेश मिला। एक बार भगवान स्वयं शिव वीरभद्र से कहते जाओ इस यज्ञ को नष्ट कर दो, और रामावतार में जब राघवेंद्र स्वयं यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन जब मेघनाद निकुंभला यज्ञ को कर रहा था तो हनुमान जी से कहते हनुमंत जाओ इस यज्ञ को नष्ट करके आओ। दोनों यज्ञों के कारण थे, जो हरिद्वार में यज्ञ हो रहा था वो नीचा दिखाने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए, अपमान करने के लिए वो यज्ञ किया गया था। अब किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई आयोजन किया जाता है महाराज, तो वो आयोजन सफल नहीं होता। और राम रूप में जब राम जी ने यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया तो उसमें संसार जगत का हित छुपा था, इसलिए दो यज्ञों को नष्ट करने के लिए भगवान एक बार शिव ने आज्ञा दी, एक बार राम ने आज्ञा दी। महाराज दक्ष प्रजापति अहंकारी बना, मुख्य जजमान बन करके मुख्य यज्ञ कुंड पर बैठा था, स्वाहा स्वाहा। आज वीरभद्र जब निकले तो नंदी से कहा नंदी चलो मेरे साथ, आज भोले बाबा की मंडली चल पड़ी। कौ मुख ही न विपुल मुख को, कोई एक मुख वाला था कोई हजार मुख वाला, भोले बाबा के जब सैनिक चल पड़े तो आज जैसे यज्ञ मंडप पर पहुंचे हैं। तो वीरभद्र ने कहा नंदी तुम बताओ यहां पर कैसे घटना घटी। नंदी ने कहा सरकार जो मुख्य जजमान है इसने भोले बाबा को श्राप दिया था। बोले अच्छा, अब बोले ये जो मुख्य आचार्य है जो दाढ़ी में बार बार हाथ फेर रहे हैं, बोले इन्होंने मंत्रों के द्वारा यज्ञ कुंड को बांध दिया था, इसलिए कोई दूसरा आ नहीं सकता। और भोले बाबा को जब श्राप मिल रहा था तो आंख मचका करके कह रहे थे महाराज ये तो ससुर दामाद का आपका अपना अपना विषय है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक देवता आंख मटका मटका करके कह रहे थे, पूसा नाम के देवता बोले ये बहुत आंख मटका रहे थे। बोले अच्छा, ये भी आंख मटका रहे थे। बोले भग नाम के देवता की तरफ इशारा करके बोले बोले ये बत्तीसी दिखा दिखा के बहुत हंस रहे थे, एक मुक्का मारा वीरभद्र ने पूरी बत्तीसी निकल आई। आहा, वेदांती बन गए भैया। जो आंख दिखा करके भोले बाबा के अपमान में जो आंख मटका रहे थे, आंख फोड़ देनी, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ लेनी। और महाराज दक्ष प्रजापति जो मंत्र से अभिमंत्रित था, गर्दन मरोड़ करके दक्षाय स्वाहा स्वाहा कर दिया, गर्दन को काट कर। यज्ञ अधूरा रहा, हाहाकार मच गया, यज्ञ अधूरा रहा। आज देवता लोग भगवान भोले बाबा के पास से पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी अपराध हो गया, आप ही कोई रास्ता बताइए। ब्रह्मा जी बोले चलो भैया जहां समस्या वहीं चलते। भोले बाबा के पास सब पधारे, देयम सदा परिभवग्नमविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंच नितम शरण्यम। आज नारायण का ध्यान करते करते पितामह ब्रह्मा देवता लोग भगवान शिव के द्वार पर पधारे। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय शिवतराय च। आज पावन स्तुति करने लगे। भोले बाबा ने कहा देवताओं क्या काम है। बोले महाराज खाई सुखाई आगे से राम दुहाई, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, एक बार क्षमा कर दो। भोले बाबा ने कहा चलो उसी यज्ञ मंडप पर चलते। आज भगवान भोलेनाथ हरिद्वार के कनखल भूमि पर पधारे, ऊंचा सिंहासन मिला, देवता हाथ जोड़ के खड़े। हमारे देश में जब तक शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता तब तक लोग मानने वाले नहीं। आज भोले बाबा ने शक्ति का प्रदर्शन किया, देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और जैसे हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो जिनके जिनके सबको दंड मिला था, सबसे पहले भृगु ऋषि बोले सरकार दाढ़ी उखड़ गई है, थोड़ी सी लगाए देते तो काम बन जाता। भगवान बोले पूरी नल देवे तो, बोले थोड़ी दे दो। तो आजकल तो यहां से मुझ नीचे फिर दाढ़ी यहां से घुट जाती है, उसको क्या बोलते फ्रेंच कटिंग। हाँ, आजकल की युवा पीढ़ी उस कटिंग में बड़ी खुश रहती है। भृगु जी से कहा थोड़ी सी दाढ़ी लगाएंगे, फ्रेंच कटिंग की दाढ़ी आपको दे। भृगु जी बोले कोई बात नहीं, थोड़े में काम चल जाएगा। अरे भैया आधी धाव न पूरी पावे,
अरे पूरा नहीं तो थोड़ा ही मिल जाए। आज भृगु ऋषि ने कहा ठीक है सरकार। पूसा नाम का देवता बोला महाराज हमारे बत्तीसी तोड़ देनी। भगवान बोले सतुआ घोर घोर के पी लेना। सतुआ पीने में किसी दांत की जरूरत थोड़ो है। खुल्लम खुल्ला खा के रसगुल्ला यह लुल्ला तो बैठ गया बिन कुल्ला। भैया बिना दांत वाले को कुल्ला करने की क्या जरूरत। बोलो राधे राधे। एक देवता बोले महाराज आंख फोड़ देनी कहां से देखे। बोले ऐसा करो पड़ोसी की आंख से देख लिया करना। बोले सरकार एक आंख तो दे ही दो। बोले एक आंख वाले शुभ नहीं माने जाते। बोले प्रभु आपने कौआ को तो एक ही आंख दिया था। बोले वो राम जी के चरणों में उन्होंने गलती की थी इसलिए राम जी दयालु है। मैं रुद्रावतार हूं इसलिए पड़ोसी की आंख से देख लिया करना। वरदान देते ठीक है प्रभु। सब लोग बोले ये जो जजमान बैठा है इसको तो जीवित करो यज्ञ पूरा हो। बोले बाबा ने कहा जाओ जो सबसे पहले जो भी जीव मिल जाए उसकी गर्दन काट के लेके आओ। आगे गए सबसे पहले बकरे का दर्शन हुआ। जैसे बकरे का दर्शन हुआ बकरे की गर्दन काट ली। दक्ष के धड़ पर जब बकरे की गर्दन लगाई गई तो बकरा बम 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 करके भोले बाबा की स्तुति किया। क्योंकि नंदी ने श्राप दिया था जाओ दक्ष तुम बहुत बड़बड़ा रहे हो तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। इसलिए भोले बाबा ने बकरे के मुख में प्राण डाला। ब्राह्मणों ने कहा सरकार हमारी कोई गलती नहीं थी हम तो यजमान ने हमको बुलाया इसलिए यज्ञ में आए। ब्राह्मणों ने भोले बाबा की स्तुति करी। यज्ञ की पूर्णा होती हुई भगवान नारायण यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। कुचित ब्रह्मा कुचित विष्णु कुचित रुद्र प्रशस्त है। कहीं ब्रह्मा कभी रुद्र कभी शिव एक ही रूप है। महाराज नारायण प्रकट हुए सबको समझाया। ब्राह्मणों ने स्तुति करी। तम क्रतुस्तम हविस्तम हुतासा स्वयं। आइए अब हम सब लोग भोले बाबा के पावन झांकी का दर्शन करते हैं। तम क्रतुस्तम हविस्तम हुतासा स्वयं तुम ही मंत्रा सब दर्भ पात्राणिका। तुम ही मंत्रा सब दर्भ पात्राणिका। तुम सदस्याचितो संपति देवता। तुम सदस्याचितो संपति देवता। अग्निहोत्रम स्वधा सोम्य आजम्पसु। अग्निहोत्रम स्वधा सोम्य आजम्पसु। सोम्य आजम्पसु सोम्य आजम्पसु। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु आप ही मंत्र है आप ही अग्नि है आप ही यजमान है आप ही दक्षिणा है आप ही सामग्री है सब कुछ आप है। आज भोले बाबा प्रसन्न हुए सबको आशीर्वाद दिया। सती महारानी अगले जन्म में हिमालय राज के यहाँ पर प्रकट हुई। पार्वती के नाम से उत्पन्न हुई और पार्वती जी ने साधना करी। अंत में भोले बाबा के साथ पुनः विवाह हुआ। इस तरीके से श्रीमद् भागवत में मनु महाराज की तीन बेटियों के वंश का निरूपण किया गया। अब आइए ऐसे दिव्य भोले बाबा की झांकी का हम सब लोग दर्शन करें। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवा। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवा। ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा। Oh, 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 oh
से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पूछता मेरा ये दुनिया पंछी का मेरा ये दुनिया पंछी का मेरा छोड़ जाना है तेरा तो उड़ जाना है तेरा मन मन से अपन जाए उसे रज ले नमः शिवाय जगले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जगले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता